हे असणं हे चुकीचं नाहीये मित्रांनो, ते डेफिनेटली खूप महत्वाची गोष्ट आहे, ते असायलाच पाहिजे. रादर दॅन प्रत्येक माणसानं हा विचार करायला पाहिजे की मी मला माझ्या पर्सनल लाईफमध्ये ग्रो व्हायचंय. ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ ऑल सोशल फायनान्शियल नेचर, हे जे काही वेगवेगळे एक्सपेक्ट आहेत आपल्या लाईफचे, ह्या सगळ्या माध्यमातून तुम्हाला मला ग्रो व्हायचंय. पण आत्ता कमर्शियली विचार केला गेला तर प्रत्येक माणसाला स्वतःचा व्यवसाय, ओके, सो लाईक इफ पॉसिबल एव्हरी वन थिंकिंग अबाउट लाईक यू वॉन्ट टू ग्रो इन देअर लाईफ अँड वी वॉन्ट टू बी लाईक मेकिंग गुड हँडसम मनी, इकॉनॉमिकल स्टेबिलिटी, सोशल स्टेबिलिटी अँड वॉन्ट टू हेल्प इन नेचर ऑल्सो. सो अलग अलग तरीके से हम इसको ग्रो करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हम प्रगति करें. ये होना भी स्वाभाविक है और चाहिए भी. तो उसी प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाते हुए एग्मेट्रिक्स ने जो काम करना शुरू किया है, हम क्या एग्जैक्टली कर रहे हैं आजकल, जो एकेडमिक एजुकेशन लेके दोस्तों हम बाहर निकल रहे हैं और उस एकेडमिक एजुकेशन को शायद जो मार्केट का गैप है, मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है, टुडेज कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट, टुडेज बिजनेस रिक्वायरमेंट, दीज आर द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स. हम एक एजुकेशनल डिग्री लेके मार्केट में जाते हैं और वो जो गैप है, लोगों की जो रिक्वायरमेंट है, लोग जो एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, मार्केट जो हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, शायद उस गैप को फिलअप करने की जरूरत है. और वो गैप को फिलअप करने का मतलब क्या है, एग्मेट्रिक्स एग्जैक्टली यही पे वो जो ब्रिज है, वो बिटवीन का जो ब्रिज है, जो गैप है, उस गैप को फिल करने के लिए यहाँ पे आया. हम चाहते हैं कि एक अच्छा स्किलफुल इंसान मार्केट में जाए, उसके पास अच्छा नॉलेज हो, वो प्रैक्टिकली चीजों को समझे और प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाए. अगर इस तरीके से एक अच्छे एटीट्यूड के साथ, अच्छे स्किल के साथ कोई भी इंसान, कोई भी यंगस्टर किसी कॉर्पोरेट जॉब में जाता है या किसी बिजनेस की शुरुआत करना चाहता है, लेकिन सही माइंडसेट के साथ, सही एटीट्यूड के साथ करे, तो बट नेचुरल वहां पे ग्रोथ लाना आसान होता है. आज हमने अच्छी अच्छी डिग्री ली है, हमारे पास अच्छा एजुकेशन भी है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किस तरीके से किया जाए, उसको किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए हमारे सक्सेस में, ये बहुत मैटर होता है. पैशन होना इट्स वेरी गुड, लेकिन उस पैशन को अगर हमने कन्वर्ट नहीं किया हमारे सक्सेस में, हमारे ग्रोथ में और उस बड़ी ग्रोथ में, तो मजा नहीं. तो उस पैशन होने से दोस्तों कुछ नहीं होता, पैशन के साथ हमारे पास स्किल्स होने चाहिए. और वो स्किल्स ऐसी चीज है जिन्होंने किया है वही सिखाया सकते हैं, जिनके पास वो है वही आपको एजुकेट कर सकते हैं, और जिनके पास वो एक्सपीरियंस है, ऐसे लोग एग्मेट्रिक्स में हमारे पास है जो अलग अलग टॉपिक के ऊपर आपको सिखाने के लिए तैयार है. मैं आप सारे लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा कि हमारे साथ बने रहिए, आज के सेशन के लिए नहीं, आने वाले बहुत सारे सेशन हम आगे कंडक्ट करने वाले हैं. और जो भी हम काम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कैंपस से लेकर डायरेक्ट कॉर्पोरेट तक और फील्ड का और प्रैक्टिकल एजुकेशन हम लोगों को देने के लिए तैयार है. हमारा ज्यादा से ज्यादा फोकस यह है कि लोगों को हम कंसल्ट करें, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में खुद का बिजनेस करें, खुद को बड़ी ग्रोथ के लिए तैयार करें. उनके पास वो एटीट्यूड, वो स्किल्स होने चाहिए, और वो स्किल सिखाने के लिए, वो गैप को फिल करने के लिए एग्मेट्रिक्स यहाँ पे है. इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी दोस्तों लगभग मोर देन 50+ जो यंगस्टर्स हैं, जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनको हमने जॉब प्रोवाइड किया है, उनकी प्लेसमेंट की है. मोर देन 30+ ऐसे लोग हैं जिनको हमने कंसल्ट किया है कि जो खुद के कुछ बिजनेस या अलग अलग जगह पे जाके खुद को तैयार कर सके और आगे ग्रोथ ला सके. सो आज का जो हमारा टॉपिक है, ग्रीन हाउस और पॉली हाउस, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं. एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन इसकी वजह से आ चुका है और आने वाले दिनों में होने वाला है. और हम सबको पता है ग्रीन हाउस पॉली हाउस ये ऐसा बिजनेस है जो एक बहुत अच्छी ऊंचाई पे जाके जा सकता है. और उसके लिए हमारे साथ बहुत ही एक्सपर्ट इंसान जो खाली ट्रेनिंग फील्ड में गवर्नमेंट के साथ बहुत सालों से काम कर रहे हैं और उनको पता है, उस इंडस्ट्री का नॉलेज उनके पास अच्छा है, उन्होंने ये सारी चीजें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट की है और बहुत ज्यादा लोगों को उन्होंने ऑलरेडी गाइड भी किया है. एमसीडीसी के साथ वो जुड़े हुए हैं, ट्रेनिंग ऑफिसर जो साकर संकुल शिवाजी नगर में पुणे के अंदर, वहां से वो बिलोंग करते हैं. तो ज्यादा टाइम न लेते हुए आप सभी लोगों के स्माइल से और विद एक्साइटमेंट, विद अ क्लैप, मैं बुलाना चाहूंगा आज के गेस्ट स्पीकर, हमारे बहुत अच्छे मित्र मिस्टर हेमंत जगताप सर को. सो दोस्तों मैं वेलकम करता हूँ हेमंत सर को. हेमंत सर, ओवर टू यू. थैंक यू महेंद्र सर फॉर योर नाइस इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग एग्रीमेट्रिक्स. जैसे कि सर ने बोला कि थोड़ा सा वीरभद्र सर मुझको स्पॉटलाइट वीडियो ऑन करो मेरा, या मुझको होस्ट करो, मैं आगे कंटेंट कर सकता हूँ. या तो इसमें क्या है कि जैसे सर ने अभी बताया, चैट बॉक्स में 2-3 लोगों ने मैसेज भी डाला था कि सर ने जब मराठी में इंट्रोडक्शन किया उसके बाद सर हिंदी पे गए और बाद में इंग्लिश पे.
जैसे आप स्टार्टिंग को सर ने बताया कि ऑल ओवर इंडिया से लोग है, इसलिए थोड़ा सा मैं मिक्सअप करूंगा मराठी हिंदी और इंग्लिश, जो तीनों तरफ से लोगों को थोड़ा सा एक समझ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि सर ने अभी शुरू स्टार्टिंग को इंट्रोडक्शन किया, उसमें उन्होंने बताया कि एग्रीमेट्रिक्स के बारे में, तो एग्रीमेट्रिक्स एज इंस्टीट्यूट है, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टूडेंट्स है या जिनको भी इसमें कुछ करियर करना है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो ये बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है कि जो पूरे के पूरे लोगों को एग्रीकल्चर फील्ड में लाने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए, और वो होने के बाद आपको कुछ कॉर्पोरेट इंडस्ट्री हो या कुछ गवर्नमेंट इंडस्ट्री हो या कुछ आपको इंटर्नशिप करना हो तो उसके लिए आगे हेल्प कर सकते। इसलिए सर ने जैसे बताया वो एग्रीमेट्रिक्स के लिए मेरे आगे के लिए फ्यूचर प्लान के मेरे तरफ से बहुत बहुत मतलब क्या बोलते हैं हम उसको विशेष देता हूँ कि आगे भी हमको हम इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए थोड़ा सा रेडी रहेंगे और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे। ये जो टॉपिक पर्टिकुलरली दिया है नेट हाउस एंड पॉलिसी टेक्नोलॉजी, मतलब ये एक घंटे में या दो घंटे में होने वाला टॉपिक्स नहीं है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि हमको नेट हाउस करना है या हमको पॉली हाउस करना है या हमको इसमें वेजिटेबल कल्टिवेशन करना है या कुछ पॉली हाउस कल्टिवेशन करना है, हमको उसमें फ्लावर ग्रो करना है, कुछ बोलते हैं हमको उसमें एक्जोटिक वेजिटेबल का प्लानिंग करना है, तो पूरा के पूरा जो डिफरेंट एरिया है ये डिफरेंट सेक्टर के लिए डिफरेंट टाइप्स का ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। हम जो देखते हैं पूरे के पूरे इसमें आवाज आ रहे हैं सर? यस सर। किसी का मैसेज आया चार बॉक्स में आवाज नहीं आ रही, ठीक है। तो इसमें जो पूरा और मेरी स्क्रीन आपको दिख रहे ना, मतलब मेरा वीडियो दिख रहे ना आपको सामने? यस सर। आपका वीडियो दिख रहा है, आवाज भी बिल्कुल ठीक है। अगर सॉरी दोस्तों किसी को आवाज की कमी है या आपको वॉइस नहीं आ रहा तो माइट भी आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा पुअर रहेगा, आप स्टेबल रहिए आपको आवाज आ जाएगा। मेरा खाली वीरभद्र सर मेरा जो है ना स्पॉटलाइट वीडियो पे डालो, मुझको स्पॉटलाइट वीडियो पे डालो तो मैं ही सामने देखूंगा स्क्रीन, किसी ने भी वीडियो ऑन किया तो मैं ही सामने देखूंगा, ठीक है। तो जैसे कि बताया कि जो टॉपिक है नेट हाउस एंड पॉलिसी टेक्नोलॉजी, बहुत से लोग बोलते हैं शेड नेट, बहुत से लोग बोलते हैं पॉली हाउस, बहुत से लोग बोलते हैं खाली नेट हाउस, बहुत से लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस, तो ये तीनों टर्म क्या है पहले हम देखेंगे और बाद में एक बाई वन बाय वन जाएंगे। नेट हाउस, पॉली हाउस और ग्रीन हाउस। नेट हाउस को हम जनरली हमारे लैंग्वेज में हम बोलते हैं शेड नेट हाउस, दूसरा नाम है पॉली हाउस और तीसरा नाम है ग्रीन हाउस। जनरली इसकी जो ब्रॉड टर्म है वो है ग्रीन हाउस, और ये ग्रीन हाउस ये टर्म में ये दोनों टर्म आते हैं शेड नेट हाउस एंड पॉली हाउस टेक्नोलॉजी। तो ग्रीन हाउस मतलब हमारे लोगों को कुछ पता है, जनरली कॉल्ड ग्रीन हाउस मतलब खाली ऊपर से ग्रीन कलर का कपड़ा डाला तो हम उसको ग्रीन हाउस बोलते हैं, लेकिन ये टर्म ऐसे नहीं है। ये ग्रीन हाउस के टर्म के अंदर ही ये दोनों टर्म है पॉली हाउस और नेट हाउस, ये दोनों टर्म है पॉली हाउस और नेट हाउस। सो वी आर टेकिंग वन बाय वन, पहले हम नेट हाउस के बारे में डिस्कशन करेंगे और बाद में पॉली हाउस में जाएंगे, लेकिन पहले नेट हाउस में जाने के पहले हम थोड़ा सा इसमें का डिफरेंस देखेंगे। What is meant by shared house and what is meant by poly house? Generally difference. So थोड़ा सा आपको एक concept clear हो जाए कि net house क्या है और poly house क्या है। अब इसमें देखो कि shared net house उसके नाम में ही पूरा है, उसके नाम में ही पूरा है कि अगर कोई भी structure उसके covering material का हम उसको अगर shading net से cover करते हैं तो हम उसको shared net house बोलते हैं। एक simple difference according to the cladding material. दूसरे जो terms है अभी स्क्रीन शेयरिंग आपको मुझे मतलब मैंने किया नहीं है अभी तक, वो बाद में मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। दूसरी जो टर्म है वो है पॉली हाउस, द स्ट्रक्चर विच आर कवर्ड बाय पॉली फिल्म हम उसको पॉली हाउस बोलते हैं। एक पहला जो मैंने आपको डिफरेंस बोला, ये डिफरेंस ये पूरा की पूरा डिफरेंस अकॉर्डिंग टू द कवरिंग मटेरियल के हिसाब से और क्लैडिंग मटेरियल के हिसाब से। तो सिंपल लैंग्वेज में जो स्ट्रक्चर को हम ऊपर से शेडिंग नेट कवर करते हैं उसको हम शेड नेट हाउस बोलते हैं, और जो स्ट्रक्चर को हम ऊपर से पॉली फिल्म कवर करते हैं उसको हम पॉली हाउस कवर करते हैं। एक सिंपल डिफरेंस। दूसरा जो डिफरेंस है वो डिफरेंस अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन विच आर मेंटेन अंडर दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। जनरली ये शेड नेट हाउस और पॉली हाउस करना क्यों है आपको? हम तो आप रेगुलर में भी क्रॉप करते हैं, रेगुलर में क्रॉप में भी आप अच्छा सा आप बिजनेस कर सकते हैं, तो ये स्ट्रक्चर करने की जरूरत क्या है? तो इसमें भी एक डिफरेंस है, अगर हम ओपन कंडीशन में कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर है वो क्लाइमेटिक फैक्टर हम इस स्ट्रक्चर में अच्छे तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। सो व्हाट आर द क्लाइमेटिक फैक्टर्स? फर्स्ट वन इज द टेम्परेचर, सेकंड वन इज द सनलाइट, थर्ड वन इज द ह्यूमिडिटी एंड फोर्थ वन इज कार्बन डायऑक्साइड। मराठी मध्ये सांगतो तापमान, सूर्यप्रकाश, आर्द्रता आणि कार्बन डायऑक्साइड। टेम्परेचर, सनलाइट, ह्यूमिडिटी आणि कार्बन डायऑक्साइड, ये चारों फैक्टर हम ओपन कंडीशन में
अच्छे तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, एक हम नेट हाउस में या पॉलिहाउस में कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब ये क्लाइमेटिक फैक्टर के हिसाब से अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो हम नेट हाउस में ये जो चार क्लाइमेटिक फैक्टर है वो कुछ मतलब ज्यादा नहीं, मतलब पार्शियली कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हम पॉलिहाउस देखेंगे तो पॉलिहाउस में ये चारों फैक्टर हम उसमें फुल्ली कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये जो सेकंड वाला डिफरेंस है नेट हाउस वाला और पॉलिहाउस वाला, इट डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक फैक्टर्स। थर्ड वन इज व्हाट आर द क्रॉप्स, हम इसमें कौन कौन से क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। अगर हम नेट हाउस का देखेंगे तो हमारे हिसाब से हम नेट हाउस में खाली वेजिटेबल क्रॉप सक्सेसफुली ग्रो कर सकते हैं। और पॉलिहाउस का देखेंगे तो पॉलिहाउस में हम बोथ वेजिटेबल एंड फ्लावर क्रॉप्स बोथ आर ग्रो सक्सेसफुली। सो नेट हाउस में हम मतलब फ्लावर क्रॉप ग्रो कर नहीं सकते क्या? नेट हाउस में आप फ्लावर क्रॉप भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उसकी फ्लावर क्रॉप के लिए जो उसकी स्टेम लेंथ है, उसका या फ्लावर डायमीटर है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ उसमें मतलब प्रॉब्लम आते हैं अंदर। नो डाउट हम उसमें ग्रो कर सकते हैं, लेकिन एज पर द मार्केट वैल्यू और एज पर द एक्सपोर्ट पोटेंशियल व्यू, जितने भी उसके कुछ एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड है वो हम उसमें अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर सकते। इसलिए नेट हाउस में आपको अगर क्रॉप ग्रो करना है तो आप नेट हाउस में खाली वेजिटेबल क्रॉप को जाइए या नर्सरी क्रॉप को जाइए, और बाद में आप फ्लावर क्रॉप होगा या आपको वेजिटेबल क्रॉप होगा तो आप पॉलिहाउस में रिकमेंड करें। फोर्थ वन इज डिफरेंस अकॉर्डिंग टू द कॉस्टिंग, जो सबसे मतलब आपको ज्यादा मतलब ये रहता है कि हम किसकी कॉस्टिंग कितनी आती है, किसकी कॉस्टिंग कितनी और हम किस पे जाइए। तो ये जो है तो कॉस्टिंग का अगर हम इसमें करें तो नेट हाउस का कॉस्टिंग पॉलिहाउस से कम आता है, और पॉलिहाउस का जो कॉस्टिंग है तो नेट हाउस के बारे में थोड़ा सा ज्यादा आते हैं। इसलिए अगर आपके पास पैसा कम हो, आपके पास पैसा कम हो और आपको उस फील्ड में आना है, इंटरेस्ट है, तो आप मेरा ख्याल है कि आप नेट हाउस से स्टार्टिंग कीजिए और बाद में आप ये पॉलिहाउस में जाइए। और नो डाउट आपके पास मतलब आपको ये प्रूव करना नहीं है, नो डाउट कि नेट हाउस से ज्यादा पॉलिहाउस अच्छा ही है। पॉलिहाउस में हम क्लाइमेटिक कंडीशन, फ्लावर क्रॉप, वेजिटेबल क्रॉप अच्छी तरह से ग्रो करते हैं, ये मतलब प्रूवन है। लेकिन अगर पास पैसा कम है तो आप नेट हाउस से स्टार्टिंग कीजिए और बाद में पैसा आता है तो आप नेट हाउस से बढ़कर आप पॉलिहाउस में जा सकते हैं। अनदर मतलब डिफरेंस ये है कि नेट हाउस किधर लगाने का, पॉलिहाउस किधर लगाने का। अगर आपके पास बारिश ज्यादा रहती है, आपके पास आपको थ्रू आउट द ईयर क्रॉप लेना है तो आप पॉलिहाउस में जाइए, क्योंकि पॉलिहाउस में बारिश का पानी अंदर नहीं आता। नेट हाउस का पॉलिहाउस के बारे में मतलब नेट हाउस में डिसएडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स क्या है as compared to polyos, नेट हाउस में ड्रॉबैक है। मैं थोड़ा सा म्यूट कर देता हूँ ऑल को, म्यूट खाली को होस्ट ही खुद को अनम्यूट कर सके, ऐसे मैं कमांड सेट कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने सबको म्यूट किया है, खाली को होस्ट ही खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, बाकी कोई भी अनम्यूट कर नहीं कर सकते। बाद में जब क्वेश्चन आंसर सेशन आएगा तो मैं कमांड खोल देता हूँ, ओपन कर देता हूँ। अभी इसमें क्या है कि नेट हाउस में आप जो क्रॉप ग्रो करने वाले हो तो नेट हाउस के जो क्रॉप है और नेट हाउस की कंडीशन है वो उसमें हम बारिश का जो सीजन हो या समर का जो सीजन हो तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, बारिश के सीजन और समर के सीजन में थोड़े से ड्रॉबैक्स या डिसएडवांटेजेस आते हैं, क्योंकि नेट मतलब पूरी जो उसकी जो जाली रहती है उसको बारिश का पानी उसमें बारिश में अंदर आ जाता है। जब समर हो तो समर में उसका सनलाइट डायरेक्टली एंट्री अंदर कर देता है। इसलिए हमको जो क्रॉप ग्रो करना है, अगर आपको थ्रू आउट द ईयर क्रॉप ग्रो करना है तो आपको पॉलिहाउस ही चाहिए। नेट हाउस में हम बारिश के सीजन अच्छी तरह से कल्टीवेशन नहीं कर सकते। समर में टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो समर में हमको उसमें अंदर कुछ आपको फॉगिंग सिस्टम वो लगानी पड़ती है, उसके आपको टेम्परेचर रिड्यूस करना है या ह्यूमिडिटी बढ़ाना हो। तो इसलिए ये जो एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस बताए तो दोनों का थोड़ा सा हमने जनरली डिस्कशन किया। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको ये जो टेक्नोलॉजी है इस टेक्नोलॉजी हमको स्टेप बाय स्टेप देखनी। स्टेप बाय स्टेप मतलब पॉलिहाउस क्या है, नेट हाउस क्या है, दोनों में हम कैसी तरह से ग्रो कर सकते हैं, तो इसका हमको स्टेप बाय स्टेप देखना है। लेकिन सबसे पहले जब हम पॉलिहाउस का और नेट हाउस का जब हम कंपैरिजन कर रहे थे तो मैंने जैसे बताया कि पॉलिहाउस को कॉस्टिंग ज्यादा आता है, नेट हाउस को कॉस्टिंग आपका कम आता है। तो पहले मैं थोड़ा सा इसमें जो जाता हूँ तो थोड़ा सा नेट हाउस के हिसाब से जाता हूँ। नेट हाउस के हिसाब से अगर नेट हाउस का देखेंगे
तो जनरली आपको ऑल ओवर इंडिया किधर भी आपको अगर नेट हाउस लगाना है, ऑल ओवर इंडिया आपको किधर भी नेट हाउस लगाना है, तो नेट हाउस में जनरली टू टाइप्स रहते हैं. नेट हाउस मध्ये जनरली दोन प्रकार असतात. एक जो प्रकार असतो तर तो असतो फ्लॅट टाइप नेट हाऊस अँड सेकंड वन इज अ राऊंड टाइप नेट हाऊस. जनरली नेट हाऊस मध्ये टू टाइप्स राहते. फर्स्ट वन इज अ फ्लॅट टाइप नेट हाऊस अँड सेकंड वन इज अ राऊंड टाइप नेट हाऊस. सो ये दोनों प्रकार भी हमने किए, ये दोनों टाइप्स भी हमने किए, इसके पीछे पे कुछ ना कुछ एक रीजन है व्हाई यू आर गोइंग टू डू दिस पर्टिकुलर टू टाइप्स. बिकॉज फ्लैट टाइप नेट हाउस जिसकी हाइट कम रहती है और राउंड टाइप नेट हाउस जिसकी हाइट ज्यादा रहती है. तो फ्लैट टाइप नेट हाउस का अगर हम देखेंगे पहले, तो फ्लैट टाइप नेट हाउस में जिन क्रॉप की हाइट कम है, जो वेजिटेबल क्रॉप की हाइट कम है जो आपको इसमें लगाना है, तो आप फ्लैट टाइप नेट हाउस में जा सकते हैं. अगर आपके पास विजिबल क्रॉप है लेकिन उसकी हाइट ज्यादा बढ़ती है, कैप्सिकम है, कुकुम्बर है, टोमेटो है, तो इसके लिए आपको राउंड टाइप नेट हाउस में जाना पड़ता है. आपके पास पैसा कम हो तो फ्लैट टाइप नेट हाउस में जाए क्योंकि उसकी कॉस्टिंग कम आती है एज कम्पेयर टू राउंड टाइप नेट हाउस. तो डिपेंडिंग ऑन अपन क्रॉप हाइट वी हैव टू सिलेक्ट व्हाट इज द वी हैव टू गो फॉर फ्लैट टाइप नेट हाउस और राउंड टाइप नेट हाउस. आपको फ्लैट टाइप नेट हाउस में जाना है या राउंड टाइप नेट हाउस में जाना है, ये डिपेंडिंग अपन क्रॉप हाइट के हिसाब से आप उसमें जा सकते हैं. आपके अगर कुछ कुछ क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में भी डायरेक्टली डाल सकते हैं, मैं वो उसी टाइम को आपको कवर कर सकते हैं. सो फ्लैट टाइप नेट हाउस. अगर आपको नर्सरी बिजनेस करना है, ये इंडस्ट्री में आपको अगर नर्सरी बिजनेस में जाना है, रोपवाटिका बिजनेस में जाना है, तो आप इसमें फ्लैट टाइप नेट हाउस प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि उसकी हाइट कम रहती है. नर्सरी के जो पौधे आपको ऑर्नामेंटल प्लांट लगाना हो, विजिटेबल प्लांट नर्सरी हो, या आपकी फ्लावर क्रॉप नर्सरी हो, आपके कुछ मेडिसिन एरोमेटिक प्लांट्स नर्सरी हो, तो यू हैव टू ग्रो फॉर फ्लैट टाइप नर्सरी क्योंकि नर्सरी के क्रॉप की हाइट ज्यादा बढ़ती नहीं. तो आप नर्सरी बिजनेस के लिए और कम हाइट वाले क्रॉप के लिए, कम हाइट वाले क्रॉप के लिए आप किसमें जा सकते हैं, आप जाते जा सकते हैं इसमें फ्लैट टाइप में. आपको अगर बड़े बड़े हाइट वाले क्रॉप लगाना है, मतलब विजिबल क्रॉप लगाना है, जैसे कि कैप्सिकम का वेल ऊपर जाता है, टोमेटो का वाइन ऊपर जाता है, मतलब वेल ऊपर जाता है, हाइट बढ़ती है, तो इसके लिए आपको राउंड टाइप नेट हाउस प्रेफर करना है. अभी इसमें क्या किया है हमने, अगर किसी को फ्लैट टाइप नेट हाउस के बारे में पहले देखते हैं. ये जो आपको सामने जो दिख रहा है स्क्रीन पे फ्लैट टाइप नेट हाउस, ये जो फ्लैट टाइप नेट हाउस है, ये जो सपाट छताचा नेट हाउस है, याची जी उंची, याची जनरली उंची आम्ही प्रेफर करताना, पर्टिक्युलरली महाराष्ट्र वी हैव टू बियर सेंटर हाइट अप टू 3.25 मीटर और 4 मीटर. मतलब महाराष्ट्रामध्ये कुठल्याही व्यक्तीला जर का हे फ्लॅट टाइप नेट हाऊस करायचं असेल आणि त्याला गव्हर्नमेंटची मदत पाहिजे असेल, सबसिडी पाहिजे असेल, तर तुम्हाला ते नेट हाऊस 3.25 मीटर किंवा 4 मीटर मध्येच करावं लागतं. महाराष्ट्र में अगर किसी को ये फ्लैट टाइप नेट हाउस करना हो और गवर्नमेंट से कुछ सहायता चाहिए, मतलब सब्सिडी चाहिए होगी, तो उसकी जो सेंटर हाइट है वो सेंटर हाइट आपको 3.25 मीटर और 4 मीटर में ही चाहिए, तभी उसको गवर्नमेंट मदद करती है या हेल्प करती है या सब्सिडी देती है. अब थोड़ा सा ये स्ट्रक्चरल डिजाइन एज ए इंजीनियर करके आपको ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ऐसा ही क्यों बनाया, इसकी हाइट इतनी ही क्यों रखी, बराबर है? तो ये थोड़ा सा एक समझ में आना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ. अभी जो सामने दिख रहा है आपको इसकी जो सेंटर हाइट है वो 3.25 मीटर, जिस डिस्क आपको मैंने रेड एरो से दिखाया है वो 3.25 मीटर और 4 मीटर में किया है. उसके बाद आपके जो ये जो कॉलम दिख रहे हैं, ये पूरे के पूरे कॉलम है, ये पूरे के पूरे कॉलम एक पाइप से बने हुए हैं, हम उसको बोलते हैं जी आई पाइप, मतलब गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप, या उसको मराठी हम बोल सकते हैं लोखंडी पाइप, गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप. अगर आपको स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी चाहिए, स्ट्रक्चर स्ट्रेंथिंग चाहिए, तो हमको उसको जी आई पाइप में ही बनाना है. कुछ लोग बोलते हैं हम उसको लकड़ी से बना सकते हैं या एमएस एंगल से बना सकते हैं या कुछ बांबू वाले से बना सकते. नो डाउट, आप उसको लकड़ी से भी बना सकते हैं, बांबू वाले से बना सकते हैं, एमएस एंगल से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर की लाइफ आपको ज्यादा चाहिए, तो आपको ये जीआई पाइप में ही बनाना है. अगर आप ये जीआई पाइप में बनाते हैं तो ये स्ट्रक्चर की जो लाइफ है, तो लाइफ मिनिमम 20 to 25 ईयर रहती है, मतलब 20 से 25 साल तक आपका ये जो स्ट्रक्चरल का सांगाड़ा बोलते हैं मराठी में उसको, स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर को कुछ डैमेज नहीं होता.
खाली आपको एक मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें रहती है, वो मेंटेनेंस कॉस्ट खाली रहती है आपको रिप्लेसमेंट ऑफ कवरिंग मटेरियल, आपने उसके ऊपर जो सेट नेट डाली है वो कुछ पॉलीफिल्म डाली है, तो उसको हमको एवरी 3 to 4 ईयर्स के बाद उसको रिप्लेस करना पड़ता है। अगर आप जो सामने दिख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला है ये जो मिडल वाला है वो जी आई पाइप का और हम उसको मेन कॉलम बोलते हैं, और ये जो हॉरिजेंटल पाइप है उसको हम बॉटम कॉर्ड बोलते हैं, और ये लास्ट को दिख रहे हैं आपको जो तिरको मतलब पैरल जो कॉलम उसको हम हॉकी या कॉरिडोर बोलते हैं। ये क्या करता है कि आपके जो मेन कॉलम है उसको सपोर्ट करके रखता है, उसको स्ट्रेथनिंग करके रखता है, स्ट्रक्चर को एक स्टेबिलिटी देता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि कुछ कुछ स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी नहीं दी जाती या हॉकी बिठाई नहीं जाती है, मतलब ये आपको तिरके पाइप दिख रहे ना लेफ्ट साइड को, इसको हम हॉकी या कॉरिडोर बोलते हैं। अगर किसी जगह पे वो नहीं बिठाते तो हम जनरली बोलते हैं एज पर डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू, हमने ऐसे तरह से इसकी डिजाइन बनाई है कि इसका अगर विंड स्पीड 130 to 140 किलोमीटर पर आवर, म्हणजे वाऱ्याचा जो वेग आहे तो वाऱ्याचा वेग 130 ते 140 किलोमीटर प्रति तास अशी वेगाने जरी आला तरी ते स्ट्रक्चर पडत नाही, कारण की त्या पद्धतीने त्याची डिझाईन बनवली आहे। अगर विंड स्पीड 130 टू 140 किलोमीटर पर आवर से तक आता है तभी भी वो स्ट्रक्चर को कुछ डैमेज नहीं कर देता, ये मेन फंक्शन है उस हॉकी का और कॉरिडोर का। ठीक है, अभी नीचे से आपको एक पेपर दिख रहा है, देखो ग्राउंड लेवल से आपको पेपर दिख रहा है, वो पेपर को हम बोलते हैं एपरॉन पेपर, या दूसरा नाम है उसका स्कर्टिंग पेपर, और या तीसरा नाम है उसका लैमिनेटेड वूवन फैब्रिक फिल्म। हा जो खाली तुम्हाला ग्राउंड लेवलला 1 मीटरला जो पेपर दिसतोय ना, तर त्या पेपरचं नाव आहे एपरॉन पेपर किंवा स्कर्टिंग पेपर किंवा लॅमिनेटेड वूवन फैब्रिक फिल्म। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, याचं कारण काय, तो पेपर कशासाठी बसवायचा, वो पेपर हमको इसलिए बिठाना पड़ता है कि नाइट टाइम को जो प्लांट CO2 वायू रिलीज करते है, नाइट टाइम को जो प्लांट CO2 वायू रिलीज करते है, तो CO2 वायू एज कम्पेयर टू अदर गैसेस की तुलना से वो थोड़ा सा हेवी रहता है, हा कार्बन डाइऑक्साइड वायू इतर वायूंच्या तुलनेमध्ये जड असतो, त्यामुळे दैट्स वाय जो CO2 वायू ग्राउंड लेवल को वो पेपर को 1 मीटर तक जो अंदर रहता है, सेकंड डे को जो आपको सनलाइट वो प्लांट पे पड़ता है वो स्ट्रक्चर में आता है, तो वो CO2 प्लस सनलाइट ये दोनों की एक रिएक्शन होती है, CO2 प्लस सनलाइट ये दोनों की एक रिएक्शन होती है और उससे आपकी एक्टिविटी होती है फोटोसिंथेसिस, मराठी मध्ये त्याला आपण म्हणतो प्रकाश संश्लेषण। आतमधील कार्बन डायऑक्साइड वायू आणि तो तुमचा सूर्यप्रकाश हे दोन्ही जेव्हा एकमेकांच्या सानिध्यामध्ये येतात त्याच्यापासून जी क्रिया घडते त्याला आपण म्हणतो प्रकाश संश्लेषण। CO2 अँड सनलाइट जब दोनों एक में एक साथ में आते तो उससे जो एक्टिविटी बनते उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, और जब हम रेगुलर ओपन कंडीशन में CO2 का परसेंटेज देखते हैं वो रहता है 300 ppm, उसका परसेंटेज रहता है 300 ppm, और जब वो इसके नेट हाउस में अंदर रहता है CO2 तो उसका परसेंटेज रहता है 1000 ppm। तो ओपन से इसमें 3 गुना या 4 गुना CO2 ज्यादा आ गए। जब CO2 इसमें ज्यादा बढ़ जाता है तो CO2 और सनलाइट कॉम्बिनेशन इकट्ठा आता है तो उसमें फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी भी उसकी तरफ से ज्यादा हो जाती है, इसलिए इसमें जो प्लांट है इसमें जो हम प्रोडक्शन लेते हैं उसका प्रोडक्शन भी ओपन से 3 या 4 गुना ज्यादा आता है, ये इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन है। ग्रीन हाउस में या नेट हाउस में यील्ड क्यों बढ़ जाता है, प्रोडक्शन क्यों ज्यादा आता है, इसके पीछे का ये साइंटिफिक रीजन है। ये जो मैंने जो बोला आपको ग्राउंड लेवल से जो पेपर बिठाए एपरम पेपर स्कर्टिंग पेपर, तो ये एपरम पेपर या स्कर्टिंग पेपर जो है तो ये पेपर का ग्राउंड लेवल पे वो 1 मीटर पे है और ग्राउंड के अंदर वो 0.5 मीटर का है, मतलब टोटल पेपर साइज जो है उसके 1.5 मीटर 1.5 मीटर, आधा मीटर ग्राउंड में गया 1 मीटर उसके ग्राउंड में। उसके ऊपर आपको एक दिख रहा है और एक व्हाइट कलर का दिख रहा है पिक्चर में, उसको हम बोलते हैं इंसेक्ट नेट, उसका बोलते हैं इंसेक्ट नेट। So what is the purpose for insect net? Insect net हम इसमें इसके लिए बैठे, जब बाहर के जो इंसेक्ट है वो हमारे अगर नेट हाउस में अंदर आने का प्रयास करते हैं तो हम उसको उधर ही रेजिस्ट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, इसके लिए हम उसको इंसेक्ट नेट बिठाते। इंसेक्ट नेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट इन 36 mesh, 40 mesh एंड 50 mesh. Mesh means mesh size. Mesh size is nothing but what are the squares in one particular linear square inch. एका लिनियर स्क्वेअर इंच मध्ये असणाऱ्या होलची संख्या याला आपण म्हणतो मेश साइज, आणि ही जी इन्सेक्ट नेट तुम्हाला मिळते इन्सेक्ट नेट 36 मेश 40 मेश आणि 50 मेश
या पर्टिक्युलर साइज मध्ये मार्केट मध्ये मिळते. जनरली वी आर युजिंग 40 मेश साइज इन्सेक्ट नेट इन पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर. आपण जी जनरली मिळतो वापरतो तर ती 40 मेशची इन्सेक्ट नेट याच्यामध्ये पर्टिक्युलर याच्यामध्ये वापरतो. आणि त्याच्यावरती इसके ऊपर आपको जी ऊपर की जी दिख रही है वो है आपकी शेडिंग नेट. वो है आपकी शेडिंग नेट. हम उसको कवरिंग मटेरियल करके हमने उसको यूज किया है. कवरिंग मटेरियल करके हमने उसको ऊपर से यूज कर रहे हैं. अभी शेडिंग नेट जनरली आपको देखो अभी एक बड़ा कंसेप्ट है. शेडिंग नेट ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है. शेडिंग नेट मतलब जनरली आप देखते हैं 35% शेड नेट, 50% शेड नेट, 75% शेड नेट. अभी ये जो परसेंटेज क्या है ये पहले एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं और बाद में आगे जाते थोड़ा. अभी ये जो शेड नेट का जो परसेंटेज जनरली 35% शेड नेट, 50% शेड नेट, 75% शेड नेट, ये क्या है? अगर आपको वो किसी ने बोला कि मेरा जो क्रॉप है अगर मैं आसाम से हो, मैं दिल्ली से हो, मैं बेंगलोर से हो, हमारे इधर के जो क्रॉप है तो उसको 50% की शेड नेट अच्छी लगती है, 75% की शेड नेट अच्छी लगती है. तो ये क्या है 50% शेडिंग नेट मतलब क्या, 75% शेडिंग नेट मतलब क्या? मराठी मध्ये त्याला आपण म्हणतो की आमच्याकडे 50% शेड नेट चांगली चालते, 75% शेड नेट चांगली चालते. आता नक्की काय अगोदर हा कन्सेप्ट काय आणि मग नंतर आपण ते बघू की 50% शेड नेट आहे तुम्ही कसं ओळखणार किंवा 50% आहे तुम्ही कसं ओळखणार. त्याच्या नावामध्येच आहे, उसके नाम ही देखो फिफ्टी परसेंट शेडिंग नेट, 75% शेडिंग नेट, 5% शेड नेट पड़ती है, मतलब 75% शेड आती है, 75% शेड आती है उसको और 25% सनलाइट आता है उसको हम बोलते हैं 75% शेडिंग नेट. शेडिंग नेट 50% शेड, 50% सनलाइट. दूसरा है 35% शेडिंग नेट, 35% शेड, 65% सनलाइट. अभी आपको ये तो पता है कि हर सनलाइट हर शेडिंग नेट एक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों धागों से बनाए रहती है या नेट से बनाए रहते हैं. वर्टिकल नेट एंड हॉरिजॉन्टल नेट, कोई भी शेड नेट हो उसमें दो नेट रहते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. अभी आप देखो कि आपको अगर ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके सामने 35% ही शेडिंग नेट है, 50% ही शेडिंग नेट है, 75% शेडिंग नेट है, तो ये आप पहचानेंगे कैसे कि आप जिसने आपके खेत में दिया है आपको दिया है ये 50% ही शेड नेट है, 75% ही शेड नेट, ये आप पहचानेंगे कैसे? हाउ टू आइडेंटिफाई दिस इज 35% नेट. तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए जनरली 3 मेथड्स है. हे ओळखण्याचे जनरली 3 पद्धती आहेत. तत्पूर्वी वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दिस पर्टिक्युलर मेथड. ये शेड नेट में दो टाइप्स रहते हैं. फर्स्ट वन इज अ टेप नेट एंड सेकंड वन इज अ मोनो नेट. जैसे हमने शेड नेट हाउस में दो टाइप्स देखे वैसे ही इसमें शेड नेट में दो टाइप रहते हैं. एक है टेप नेट और दूसरा है मोनो नेट. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेप नेट एंड मोनो नेट? टेप नेट इज नथिंग बट टेप नेट, उसके नाम ही जो नेट ऐसे टेप जैसे आपको दिख रही है थोड़ी सी मतलब उसका थिकनेस ज्यादा है उसको हम टेप नेट बोलते हैं. मोनो नेट, मोनो नेट इज मोनोनेट, मोनोनेट मोनोनेट इज नथिंग बट सिंगल फिलामेंट. मोनोनेट उसमें जो सिंगल फिलामेंट का जो धागा रहता है उसको टेप नेट में हम जब आपके इधर अगर टेम्परेचर ज्यादा हो आपके इधर अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो आप उधर टेप नेट यूज कर सकते हैं. मोनोनेट अगर आपके इधर टेम्परेचर ज्यादा हो और आपने इससे बहुत से लोग बोलते हैं कि जनरली हम नर्सरी क्रॉप के लिए टेप नेट प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू मोनोनेट. आपको अगर क्रॉप कल्टीवेशन करना है तो नो डाउट आप टेप नेट भी यूज कर सकते हैं और मोनोनेट भी यूज कर सकते हैं. आप दूसरा क्या है कि टेप नेट का जो लाइफ है एज कम्पेयर टू मोनोनेट वो थोड़ा सा कम है. टेप नेट का जो लाइफ है एज कम्पेयर टू मोनोनेट थोड़ा सा कम है. टेप नेट एज कम्पेयर टू मोनोनेट मार्केट में आपको थोड़ा सा सस्ता मिलेगा, चीपली मिलेगा. टेप नेट मार्केट में आपको थोड़ा सा सस्ता मिलेगा या चीपली मिलेगा, उसका प्राइस कम रहेगा थोड़ा सा. ये दोनों का डिफरेंस है. अभी ये जब आइडेंटिफाई करते हैं आप 35%, 50%, 75%, तो ये भी आपको देखना है कि 35% का टेप नेट का भी स्पेसिफिकेशन अलग है और 35% का मोनोनेट का भी स्पेसिफिकेशन अलग है.
मैंने जो ऐसे आपको स्टार्टिंग को बोला कि ये आइडेंटिफाई पर कर, मतलब ये परसेंटेज आइडेंटिफाई करने का जनरली तीन मेथड से, पहला ये जो को अगर प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जैसे कि स्टार्टिंग को मैंने बोला कि 35% शेड्यूल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि 35% हम दोनों धागों से बने रहते हैं, 35% में खाली 35% ही शेड पड़ रही है तो इसके दोनों धागों का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा आपका ज्यादा रहेगा क्योंकि इसमें 35% ही शेड है और 65% आपका सनलाइट आ रहा है तो दोनों धागों का डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, 50% में और थोड़ा सा कम आएगा, 75% में और थोड़ा सा कम आएगा, ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज हो तो आप उसको देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा, दूसरी जो मेथड है इसको मार्केट में एक मीटर मिलता है उसको हम बोलते हैं लक्स मीटर, लक्स मीटर। तो लक्स मीटर से हम आइडेंटिफाई करते हैं, कर सकते हैं कि कितनी लाइट इसके अंदर, कितनी लक्स लाइट इसके अंदर आ रही है। अगर बाहर की कंडीशन में आपको अगर 80,000 लक्स लाइट है और अगर शेड नेट में आपकी उसकी, शेड नेट आपकी उसकी 40,000 लक्स ही लाइट है, तो 40,000 लक्स ही लाइट है तो आपको क्या 50%। दूसरी एक मेथड है उसको हम बोलते हैं जीएसएम मेथड, ग्राम पर स्क्वायर मीटर मेथड, जीएसएम मेथड ग्राम पर स्क्वायर मीटर, जीएसएम मेथड। मतलब क्या, अगर 35% की शेड नेट है और उसका एक मीटर बाय एक मीटर का आपने अगर वेट किया तो वेट आपका 80 ग्राम पर स्क्वायर मीटर बढ़ता है। मतलब आपको, आपको किसने बोला कि ये 35% की शेड नेट है तो आपको क्या करना है, उसका एक मीटर बाय एक मीटर का टुकड़ा कापना है और उसका इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे वेट करना है, त्याचा तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस वरती वेट करायचं आहे, आणि त्याचं वजन जर का 80 ग्राम पर स्क्वायर मीटर भरला, उसका वेट अगर 80 ग्राम पर स्क्वायर मीटर हो गया तो आप समझने का वो 35% की है, उसमें हम प्लस माइनस 5-10 ग्राम कर सकते हैं, मतलब कम ज्यादा आप भी भर गया 5-10 ग्राम तभी भी आप उसको 35% रेफर कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। दूसरा वैसा ही 50% में 94 जीएसएम, 75% में 113 जीएसएम। एक थोड़ा सा फास्ट लेता हूँ, एक जस्ट मैंने आपको एक कंसेप्ट बोला इसमें। अभी दूसरा है मोनोनेट, मोनोनेट का अगर देखेंगे तो टेप नेट के उस तरफ से मोनोनेट में इसका जो वेट है वेट थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता है क्योंकि उसका वो मटेरियल ज्यादा लगता है, मोनो मतलब सिंगल फिलामेंट रहता है, वो मटेरियल थोड़ा सा ज्यादा रहता है, इसलिए मोनोनेट में 35% का 89 है, 50% का 118 है, 75% का 290 जीएसएम है। ये थोड़ा सा तो आपको डिफरेंस समझ में आए, ये आपको समझ में पिक्चर दिख रहा है। प्रत्येक हर एक शेड नेट है वो दो धागों से बने, एक ऊपर वाला और मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, टेप इन टू टेप नेट। कभी कभी क्या होता है एक धागा टेप नेट का दूसरा धागा टेप नेट का, कभी कभी क्या रहता है एक धागा मोनो नेट का दूसरा धागा टेप नेट का, और कभी कभी क्या रहता है दोनों भी धागे मोनो नेट के, एक मोनो दूसरा मोनो। अभी तक गवर्नमेंट ने जो BIS स्टैंडर्ड दिए है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से सबसे मोनो नेट शेड नेट में दिए है, वो खाली टेप इन टू टेप नेट और मोनो इंटू मोनो नेट को अभी तक गवर्नमेंट ने प्रेफर किया है। जनरली लोग टेप इंटू टेप नेट और मोनो इंटू मोनो नेट ज्यादा मार्केट में अभी यूज कर रहे हैं और दोनों भी गवर्नमेंट ने उसका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS कोड दिया है। ये आपको जो दिख रहा है सामने टेप इंटू टेप नेट, मोनो इंटू मोनो नेट और टेप इंटू मोनो नेट, ये तीनों नेट मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग टेप इंटू टेप नेट और टेप मोनो इंटू मोनो नेट यूज करते हैं। जो आपको स्टार्टिंग को बताया था कि प्रंट पेपर जो रहता है ग्राउंड लेवल के नीचे से, और एक थोड़ा सा शेड नेट में बताना भूल गए कि बहुत से लोग शेड नेट बनाते हैं लेकिन उसकी जो ऊपर की जो शेड नेट है वो 4 या 5 महीने के बाद ऐसे आप अगर उसको हाथ लगा देते तो खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है। ऐसा क्यों हो जाता है कि वो जो शेड नेट है वो शेड नेट 100% नाइलॉन और यूवी स्टेबलाइज्ड नहीं रहती, इसलिए वो खराब हो जाते हैं। अब यूवी स्टेबलाइज्ड मतलब क्या, नायलॉन मतलब क्या, ऊपर से जब सनलाइट आता है, सनलाइट की जो अल्ट्रावायलेट रेज उस नेट पे गिरते हैं तो नेट पे गिरने के बाद उसका जो रिफ्लेक्शन है, वो यूवी स्टेबलाइजेशन है, वो प्रॉपरली नहीं होता और वो आपकी शेड नेट खत्म हो जाती है, मतलब खराब हो जाती है। अगर वो शेड नेट 100% यूवी स्टेबलाइज्ड होगी तभी आपकी वो शेड नेट की लाइफ है वो मिनिमम 3-4 ईयर तक जा सकती है। ये मतलब मार्केट में आपको बहुत से लोग मतलब इसमें ये करते बरबर आपको लोगों को फंसाते हैं, इसलिए आपको 100% यूवी स्टेबलाइज्ड शेडिंग नेट ही चाहिए तभी उसका लाइफ ज्यादा बढ़ सकता है। अभी दूसरा जो मैंने आपको बताया था कंसेप्ट होता है इंसेक्ट नेट, इंसेक्ट नेट का जो गवर्नमेंट एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी
BIS स्टैंडर्ड है और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, वो है IS 1653 2016, ये इसका कोड है। इसी कोड की, इसी स्टैंडर्ड की आपको इंसेक नेट बिठानी पड़ती है। जैसे कि स्टार्टिंग को बताया था मैंने कि 36 मेश इंसेक नेट, 40 मेश इंसेक नेट या 50 मेश इंसेक नेट, ये जो मेश साइज है तो ये पर्टिकुलर मेश की ही इंसेक नेट है, ये आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये 36 मेश की है, 40 मेश की है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग को बताया कि हम जो यूज करते हैं नेट वो होती है 40 मेश की। ये तीनों नेट मार्केट में अवेलेबल है नो डाउट, लेकिन हम जो गाइडलाइंस के सबसे स्ट्रक्चर में जो यूज करते हैं वो है 40 मेश इंसेक नेट। और अभी वो 40 मेश आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसका जो वेट है, उसका वेट आपका 105 GSM, मतलब 105 ग्राम पर स्क्वायर मीटर होना चाहिए इंसेक्ट नेट लेने का। और उसका 1/1 meter का अगर एक निकलते पैच तो उसका वेट आपको 105 ग्राम पर स्क्वायर मीटर चाहिए। 50 मेश का 125 GSM चाहिए, 36 मेश का 90 GSM चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये जो इंसेक्ट हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर में, नेट हाउस हो या पॉलियस, वो मिल्की व्हाइट कलर की रहती है। मिल्की व्हाइट हेमंत सर तुमचा आवाज नाही येत आहे। हॅलो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। हेमंत सर का कुछ शायद इंटरनेट का इशू रहेगा, वेट फॉर मिनट। बस एक मिनट बने रहिए हमारे साथ, हेमंत सर रिज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच। दोस्तों कहते हैं ना, किसी भी इंडस्ट्री में पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने जो भी एग्रीकल्चर की डिग्री ली है उसके लिए कुछ साल लगे हैं, सो बिना पेशेंस के तो कुछ काम नहीं बन सकता कहीं पे भी। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, पेशेंस तो होनी चाहिए। अगर पेशेंस नहीं रखेंगे तो कुछ होने वाला नहीं। कुछ लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी पूछे यहाँ पे चैट बॉक्स में, उसके आंसर भी हेमंत सर आपको देंगे। अगर किसी को और कुछ लोगों को कुछ क्वेश्चन भी पूछने हैं तो वो भी पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में आप डाल के रखिए। वेंकटेश सर एक बार हेमंत सर को कॉल करके देखिए, नहीं तो प्लीज कॉल हिम एंड Yes, sir, I am trying that. Okay. दोस्तों कुछ लोगों के क्वेश्चन्स थे, कई लोकांना असा प्रश्न विचारत होता की ॲगमॅट्रिक्स बरोबर तुम्ही कनेक्ट कसं राहाल, तर आमची वेबसाईट आहे, आम्ही तुम्हाला आमचे कॉन्टॅक्ट नंबर किंवा तशा प्रकारच्या सगळ्या गोष्टी प्रोव्हाइड करणार आहोत ऍट द एंड, आणि तुम्ही आमच्यावर रेग्युलरली कॉन्टॅक्ट मध्ये राहू शकाल। Yes. काही लोकांचा क्वेश्चन आहे की जॉब वॅकन्सी आहे का फ्रेशर साठी, सो डेफिनेटली आपण कॅम्पस किंवा तो प्लॅटफॉर्म तयार करतोय, त्या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून सुद्धा आपण खूप चांगलं काम करतोय। जसं मी सुरुवातीलाच म्हणालो होतो, जसं मैंने पहिलेही बताया था की मोर दॅन 50+ फ्रेशर्स को हमने अभी रिक्रूट किया है, सो ऐसे भी कुछ आने वाले दिनों में आपको वो भी चीजें मिल जाएगी।
ओके डेफिनेटली. सो ये सारे जो क्वेश्चन है दोस्तों उसके ऊपर तो हम आंसर करेंगे. तुम्हारा सगळ्या प्रश्नांची उत्तर मिळतील, डेफिनेटली मिळतील. आणि आपचं एग्मॅट्रिकचं बेसिकली मित्रांनो काम हेच आहे की मार्केट मधला जो प्लॅटफॉर्म आहे आणि त्या प्लॅटफॉर्म पर्यंत चांगल्या लोकांना व्यवस्थित पोहोचवणं, तर हाच तर आपला मेन पर्पज आहे. की तुम्ही फ्रेशर्स आहात, ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट होऊन बाहेर पडलाय आणि तुम्हाला अॅग्रिकल्चर इंडस्ट्रीमध्ये जॉब करायचा आहे, अॅग्रिकल्चर इंडस्ट्रीमध्ये तुम्हाला स्वतःचे बिझनेसेस सुरू करायचे आहेत, त्याच्यासाठी लागणारा जे सगळे नॉलेज आहे, त्याच्यासाठी लागणारे ज्या गायडन्स आहे कुठल्याही प्रकारचं, अशा सगळ्या प्रकारचं गायडन्स देण्यासाठी अॅग्मॅट्रिक्स तयार आहे. की जे अॅग्मॅट्रिकचे जे सगळे असोसिएट्स आहेत, जसं मी मगाशी म्हणाल होतो की 20 वर्षांचा एक्सपिरियन्स असणारे लोक आहेत जे गव्हर्नमेंट बरोबर असोसिएट आहेत, स्वतःचे प्रायव्हेट बिझनेस आहेत, ज्यांनी बऱ्याच गोष्टी केल्यात करून दाखवल्यात, ते तुम्हाला गाईड करतील. आणि काही लोकांचा प्रश्न असाही होता की ग्रीन हाऊस पॉलीहाऊस मध्ये काही लोकांना सक्सेस मिळत नाही, तर मित्रांनो हा नेचर लॉ आहे. म्हणजे बिईंग अॅग्रिकल्चर इंडस्ट्री तुम्हाला ही गोष्ट माहिती आहे, सगळे सीड्स जर तुम्ही कुठल्याही सॉइल मध्ये टाकले ओके तर सगळेचे सगळे सीड्स तुम्हाला प्लांट देतील किंवा त्याला फ्रुट्स लागतील असं नाहीये. इट्स अ नेचर लॉ, हा निसर्गाचा नियम आहे. आणि कुठल्याही व्यवसायामध्ये कुठलाही माणूस सक्सेसफुल कधी होऊ शकतो हे त्या व्यवसायावरती डिपेंड नाहीये. ती तुमची कमिटमेंट, तुमचं नॉलेज, त्याच्यासाठी डे टू डे लाईफ मध्ये तुम्ही त्याला चेंज करता का, स्वतःला अपग्रेड करता का, सो मेनी थिंग्स आर देअर. म्हणजे बऱ्याच गोष्टी आहेत. हे फक्त असं म्हणून चालत नाही की पॉलीहाऊस नेट हाऊस मध्ये खूप कमी पर्सेंटमध्ये लोकांना सक्सेस मिळालं, तर ते का मिळालं त्यांना. असं जर असतं की 100% लोकांना सक्सेस मिळतच नाहीये, कुणाला सक्सेस मिळत नाही, तर आपण कदाचित म्हणू शकलो असतो की ती इंडस्ट्री तेवढी आता राईट नाहीये. बट काही लोक सक्सेसफुल आहेत आणि काही नाही आहेत. मग जे सक्सेसफुल आहेत त्यांना आपण विचारायला हवं. जे फेल आहेत, फेल्युअर लोक कदाचित तुम्हाला थोडासा त्यांचा फेल्युअर कशामध्ये झाले हे सांगू शकतात, पण सक्सेसफुल लोक तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने गाईड करू शकतात, कारण ते त्यांनी मिळवलंय. आणि बऱ्याचदा आपण आपल्या डोळ्यासमोर फेल्युअर लोकांचे एक्झाम्पल जास्त ठेवतो. मित्रांनो फेल्युअर लोकांचे एक्झाम्पल आपण डोळ्यासमोर ठेवून आपण आपलं सक्सेस अचीव्ह नाही करू शकत आहे. सो तुमचा माझा फोकस अशा लोकांवर पाहिजे की ज्यांनी मिळवलंय, जे सक्सेसफुल आहे. सो द राईट माइंडसेट असेल तुमचा तर तुम्ही कुठल्याही क्षेत्रामध्ये, कुठल्याही जॉबमध्ये, कुठल्याही बिझनेसमध्ये सक्सेसफुल होऊ शकता. तो माइंडसेट डेव्हलप करणं, ते तुमचे स्किल्स डेव्हलप करणं, तुमचं कम्युनिकेशन स्किल्स असेल, ऍटिट्यूड बिल्डिंग असेल, पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट, ऑल टाईप ऑफ स्किल्स डेव्हलपमेंटचा प्रोग्राम इथं आपण रन करतोय. ओके येस येस येस. अॅग्मॅट्रिकचा वही काम आहे की हम यहाँ पे लोगों के स्किल्स को डेव्हलप करेंगे. अगर आपको जिंदगी में तरक्की करनी है किसी भी क्षेत्र में दोस्तों, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस होना और उन्हीं सही लोगों का गाइडेंस होने की जरूरत होती है. तो यहाँ पे अॅग्मॅट्रिक्स आपके लिए वो काम करने के लिए तैयार है कि आपको एक सही ब्रिज बना के देगी, आपके स्किल्स को डेवलप करेगी, आपके एटीट्यूड को डेवलप करेगी, आपके स्किल्स को शार्पन किया जाएगा और मार्केट में कहाँ कहाँ पे प्लेटफॉर्म है ओके उस प्लेटफॉर्म को आप तक पहुंचाया जाएगा. ओके वेंकटेश सर जी, हेमंत सर आए हैं दोस्तों, जस्ट थैंक यू फॉर योर पेशेंस. आप सभी को पता है कि हम इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हैं, कहीं पे बारिश का थोड़ा मौसम है, ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं. वेंकटेश जी हेमंत सर को होस्ट कीजिए. ठीक है, थैंक यू सर. यस सर, यस सर, यस सर. एक्चुअली इधर भी नेटवर्क का थोड़ा इशू चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा. नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम. तो जैसे कि सर शुरू करते हैं हेमंत सर के साथ. हेमंत सर थैंक यू सर, थैंक यू. ओके थैंक यू. जैसे कि हम देख रहे थे कि नेट हाउस में जो स्ट्रक्चर है, तो पर्टिकुलरली जैसे इसमें कहा था कि अपॉर्चुनिटीज इन नेट हाउस और पॉलीहाउस, इसमें हम देख रहे थे कि स्टार्टिंग को जैसे मैंने आपको बताया कि नेट हाउस का कंसेप्ट बताया, उसके पर एक स्ट्रक्चर डिजाइन रहती है और स्ट्रक्चर के डिजाइन के हिसाब से आपको करना पड़ता है. अदरवाइज कोई भी स्ट्रक्चर, वैसे मतलब गवर्नमेंट हो या आप खुद का भी हो, तभी आपको अच्छी तरह से आपको इसको मेंटेन नहीं कर सकते. मतलब वही पार्ट वही डिजाइन आपको उसमें करना ही पड़ता है, अदरवाइज वो आपको सैंक्शन नहीं होता. और एज पर स्टेबिलिटी और हमको जो उसमें रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट उसमें प्रॉपरली नहीं आते. जैसे कि हम स्टार्टिंग को इंसेक्ट नेट देख रहे थे, इंसेक्ट नेट लगाना ही पड़ता है. इंसेक्ट नेट अगर आप नहीं लगा देते तो उसमें आप पेस्ट या डिसीज का अटैक आप उसको अंदर आ सकता है आपके इसमें. अभी तो उसमें और एक इसमें इंपॉर्टेंट उसको पता नहीं कि सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट थिंग रहती है, वो रहती है जीआई पाइप. जनरली GI पाइप में एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स 3 grades रहते हैं, A ग्रेड, B ग्रेड एंड C ग्रेड. हमको जो पाइप लगाना पड़ता है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स पहले देखते हैं कि A क्या है, B क्या है और C क्या है. A ग्रेड का जो पाइप है उसमें येलो कलर रहता है, B ग्रेड के पाइप में ब्लू कलर रहता है और C ग्रेड के पाइप पे रेड कलर का रहता है. और हम जो एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी जो डिसाइड किया वो B ग्रेड का पाइप डिसाइड किया है. मतलब B ग्रेड क्या है,
इसमें जो स्टैंडर्ड है एज कम्पेयर टू ए और सी, ये एक मीडियम साइज का पाइप है जिसमें हम एज पर पॉलिसी इसमें दो चीजों देखते हैं, एक है उसका आउटसाइड डायमीटर मतलब बाहर का व्यास और इनर थिकनेस आतमधली त्याची जाडी, ये दोनों पॉइंट पे हम उसमें जीआई पाइप का सिलेक्शन करते हैं। और एज पर पॉलिसी उसका जो बीआईएस स्टैंडर्ड है और बीआईएस कोड है वो है IS 11612014, याचा जो कोड है IS 1162014 या कोडचाच पाइप तुम्हाला एज पर स्पेसिफिकेशन नुसार जो होतो वो वापरावा लागतो। और वी हैव टू प्रिपेयर बी ग्रेड जीआई पाइप। अनदर कॉन्सेप्ट इज रिगार्डिंग द पॉलीफिल्म, हम जो पॉली उसको जो ऊपर से कवरिंग मटेरियल लगा देते हैं वो है पॉलीफिल्म। ये जनरली मार्केट में आपको दो कलर में मिलती है पॉलीफिल्म, व्हाइट येलो, और आप अभी देखेंगे तो तीसरी कलर की भी पॉलीफिल्म मार्केट में आई वो है ब्लू कलर की पॉलीफिल्म, व्हाइट येलो एंड ब्लू। अभी ये जो पॉलीफिल्म है ये इसमें पॉलीफिल्म में सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीफिल्म। कोई भी पॉलीफिल्म हो आपकी वो आपको मतलब पूरी की पूरी यूवी स्टेबलाइज्ड पॉलीफिल्म चाहिए, यूवी स्टेबलाइज्ड पॉलीफिल्म चाहिए। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है जैसे कि मैंने आपको बोला कि 200 माइक्रोन की फिल्म चाहिए, इसमें एंटी डस्ट, एंटी सल्फर, एंटी फॉगिंग, एंटी क्लॉगिंग, ये इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, तो ये प्रॉपर्टीज के वाले ये पॉलीफिल्म चाहिए। और ये पॉलीफिल्म हमको हर 3 साल के बाद रिप्लेस करनी पड़ती है, हर 3 साल के बाद रिप्लेस करनी पड़ती है। और इसका जो गवर्नमेंट के सबसे जो IS कोड है वो IS 15827 और इसका ईयर है 2019। ये स्टैंडर्ड की आपको ये पॉलीफिल्म के लिए पॉलीफिल्म लगानी पड़ती है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट है कि जब आप नेट हाउस लगाते हैं, अभी आपको जो बता रहे हो ये नेट हाउस का है, नेट हाउस आप अगर करते हैं तो नेट हाउस में आपको टेम्परेचर जब बढ़ता है तो आप नेट हाउस में ये एयर सर्कुलेशन फैन भी बिठा सकते हैं। एयर सर्कुलेशन फैन से आपका अंदर का टेम्परेचर कम हो सकता है, अगर ऊपर से फॉगर बिठाते हैं और अंदर एयर सर्कुलेशन फैन बिठा सकते हैं तो आपका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी उसमें आप कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इधर मैंने एक मिनिमम नंबर दिया है नंबर ऑफ फैंस, अगर आपका एरिया 1000 स्क्वायर मीटर का हो तो मिनिमम नंबर ऑफ फैंस आप उसमें 4 बिठा सकते हैं, आपका एरिया अगर 2000 स्क्वायर मीटर का हो तो मिनिमम नंबर ऑफ फैंस आप 6 बिठा सकते हैं, ऐसा एक एक करके आप 12 फैन बिठा सकते हैं और एक फैन की कीमत रहती है ₹12,000। आपको कैसे पता चलेगा कि अंदर टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है, कब फॉगर सिस्टम चालू करना है, कब इरिगेशन करना है, तो इसके लिए आपके आपको स्ट्रक्चर में एक डिजिटल थर्मो हाइग्रोमीटर बिठाना पड़ता है, डिजिटल थर्मो हाइग्रोमीटर। अभी डिजिटल थर्मो हाइग्रोमीटर क्या रहता है, डिजिटल थर्मो हाइग्रोमीटर अंदर कितना टेम्परेचर है और अंदर कितना ह्यूमिडिटी ये आपको शो करता है, डिस्प्ले करता है। अगर मानो कि मैं बोलता हूँ कि ग्रीन हाउस में अगर कोई भी क्रॉप ग्रो करना है तो मिनिमम आपको उसके अंदर 18-30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, लेकिन टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है तो आपको समझ में कैसे आएगा कि ये आपको मीटर रिप्लेट करेगा कि अभी 35 है 36 है, तब आप अंदर के आप कुछ वेंटिलेशन की सिस्टम हो, फॉगिंग सिस्टम है, उसको आप शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, अगर जनरली हम बोलते हैं कि आइडियल ह्यूमिडिटी फॉर अंडर फॉर ग्रीन हाउस क्रॉप इज जनरली 60-80%, उससे अगर कम हो जाती है ह्यूमिडिटी बराबर है तो आपको अंदर का फॉगिंग सिस्टम हो या वेंटिलेशन सिस्टम हो वो आपको ऑपरेट करनी पड़ती है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट डिजिटल थर्मोहाइग्रोमीटर है, आपको बिठाना पड़ता है, उसी की वजह से आप अंदर की सिस्टम कब शुरू करना कब बंद करना आइडेंटिफाई कर सके। देन गटर पंप, जो हम फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करते हैं अंदर के कोई भी पौधे के लिए तो ये गटर पंप आपको जरूरी है। देन वेंचुरी, वेंचुरी का पर्पज भी आपको अंदर फर्टिलाइजर एप्लीकेशन का ही है। देन एसटीपी सिंगल पिस्टन पंप, हम जो अंदर पेस्टिसाइड स्प्रेइंग करते हैं तो इसके लिए एसटीपी सिंगल पिस्टन पंप विद इलेक्ट्रिक मोटर एंड पैनल बॉक्स इसकी जरूरत है, इसकी कीमत लगभग 25,000 तक रहती है। देन एसटीपी डबल पिस्टन पंप विद इलेक्ट्रिक मोटर एंड पैनल बॉक्स, इसमें पिस्टन दो रहते हैं और इसकी कॉस्टिंग है 35,000। देन लक्स मीटर, जो मैंने आपको बताया था कि वो स्टैंडर्ड उतने परसेंटेज की है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए आप एक लक्स मीटर में आप पहचान सकते हैं कि इसमें कितनी लाइट आती है और कितने परसेंटेज के ऊपर से स्टैंडर्ड है, इसकी कीमत भी लगभग 5,000 रुपए तक रहती है। देन आपका पीएच मेजरमेंट डिवाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको कोई भी क्रॉप ग्रीन हाउस में ग्रो करना है और अच्छे से बिजनेस करना है बराबर है, तब आपको ग्रीन हाउस में सॉयल एंड वाटर का जो पीएच एंड ईसी है वो दोनों का भी एनालिसिस करना जरूरी है, और वो आइडियल पीएच और एनालिसिस के लिए आपको ये पीएच मेजरिंग डिवाइस आप प्रेफर कर सकते हैं। इसकी कॉस्टिंग आपकी 10,000 पर मीटर। जनरली आइडियल पीएच फॉर ऑल क्रॉप वी आर गोइंग फॉर 6.5-7.5, मतलब न्यूट्रल पीएच। देन टेंशियोमीटर फॉर द कैलकुलेटिंग ऑफ
सोयल मॉइस्चर, आपके सोयल में मॉइस्चर कितना है, कभी इरिगेशन करना है, जिसके आप टेंशियोमीटर से आप देख सकते हैं कि अभी मेरा मॉइस्चर कम हो गया है तो अभी मुझको इरिगेशन की जरूरत है, तो आप ये भी लगा सकते हैं ग्रीनहाउस में। देन थर्मल नेट, जब हम बोलते हैं कि कोई पार्ट हो इंडिया का या महाराष्ट्र का जिधर टेम्परेचर बहुत बढ़ता है, तो जैसे मैंने आपको शुरुआत स्टार्टिंग को बताया था कि मोनोनेट और टेपनेट, तो मोनोनेट और टेपनेट की जगह पे आप ये थर्मल नेट बिठा सकते हैं। ये आपने अगर थर्मल नेट बिठाया तो रेगुलर नेट से इसमें 3-4 degrees Celsius टेम्परेचर कम हो जाता है, रेगुलर नेट से इसमें आपका 3-4 degrees Celsius टेम्परेचर कम हो जाता है, तो ये भी नेट आप भी बिठा सकते हैं। देन ट्रेलिंग सिस्टम, जब हम ग्रीनहाउस में वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं तो वो वेजिटेबल के हाइट बढ़ती है, तो वेजिटेबल को सपोर्ट करने के लिए, भाजीपाला आधार देने साठी वो सपोर्ट के लिए आपको ये ट्रेलिंग सिस्टम जरूरी है। उसमें जनरल 3 कंपाउंड आते हैं, जिया वायर, क्रॉप क्लिप्स एंड ट्रेलिस वाइन, ट्रेलिस ट्वाइन। तो इसी को जैसे आप वो प्लांट को आप शेप देके ऊपर ऊपर तक ले सकते हैं, उसके मतलब पौधा आपका स्ट्रेट जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने आपको जो बोला है वो शेड नेट में था। अभी जनरली जब हम पॉलीहाउस को देखते हैं, जैसे नेट हाउस में दो टाइप है, राउंड टाइप एंड फ्लैट टाइप, वैसे पॉलीहाउस में भी दो टाइप है। एक है आपका रेगुलर पॉलीहाउस जिसको हम बोलते हैं OVPH, मतलब ओपन वेंटिलेटेड पॉलीहाउस। दूसरा जो है CCPH, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट कंट्रोल पॉलीहाउस। पहला जो मैंने क्या बोला आपको, पॉलीहाउस में दो टाइप है, ओपन वेंटिलेटेड पॉलीहाउस मतलब OVPH, NVPH मतलब नेचुरली वेंटिलेटेड पॉलीहाउस, याला मराठी मध्ये आपण म्हणतो नैसर्गिक वायु संचारित पॉलीहाउस। एंड देन सेकंड इज CCPH मॉडल मतलब क्लाइमेट कंट्रोल पॉलीहाउस। ये दोनों टाइप ज्यादा से ज्यादा चलते हैं हमारे इंडिया में, मैक्सिमम मोर देन 90% फार्मर्स आर यूजिंग OVPH मॉडल और ओपन वेंटिलेटेड पॉलीहाउस मॉडल। And CCPH model, those people are using then for businessmen like tissue culture laboratories for hardening purpose, for nursery purpose. People are using climate control polios. म्हणजे हा जो दुसरा प्रकार आहे वातावरण नियंत्रित पॉलिस म्हणतो आपण त्याला मराठीमध्ये, तर ते लोक हार्डली 2-3% ते लोक वापरतात, जे बिझनेसमॅन वाले, इंडस्ट्री वाले, ज्यांनी टिश्यू कल्चर लॅबमध्ये रोपं तयार केल्यानंतर त्यांना हार्डनिंग करावं लागतं, तर ते लोक क्लायमेट कंट्रोल पॉलिस वापरतात। सो जनरली मेनी फार्मर्स आर युझिंग OVPH मॉडेल। अभी ये जो मॉडल है, ये मॉडल की डिजाइन स्पेसिफिकेशन और रचना कैसी रहती है, तो इसमें इसकी जो सेंटर हाइट है पर्टिकुलर ओपन वेंटिलेटेड पॉलीहाउस की, ये सेंटर हाइट जो रहती है आपकी वो रहती है 6.5 meters, और एक क्लाइमेट कंट्रोल पॉलीहाउस की जो सेंटर हाइट है वो रहती है आपकी 5 meters। इसमें आप अच्छी तरह से नर्सरी का बिजनेस कर सकते हैं क्लाइमेट कंट्रोल पॉलीहाउस में। और जनरली OVPH ओपन वेंटिलेटेड पॉलीहाउस में आप रोज, जर्बेरा, कार्नेशन, एंथुरियम, ऑर्किड, ऐसे ऐसे फ्लावर क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, या कैप्सिकम, कुकुम्बर, टोमेटो, लेट्यूस, ब्रोकोली, इसका बिजनेस भी हम इसमें अच्छी तरह से कर सकते हैं। अभी जैसे बोल रहा कि इसके नाम में ही है ओपन वेंटिलेटेड पॉलीहाउस, मतलब उसकी जो ऊपर की जो वेंट है तो वेंट ओपन रहती है। अभी वेंट कितनी ओपन रहती है, तो वेंट का ओपनिंग डिस्टेंस है 0.8 to 1 meter, 0.8 to 1 meter है ये वेंट का जो ऊपर का डिस्टेंस है उसके ऊपर ओपन रहती है। अभी वेंट क्यों बिठाने का, इसके अंदर जब हॉट एयर क्रिएट होती है तो हॉट एयर को बाहर निकालने के लिए हमको उसको वेंट की जरूरत पड़ती है। देन इसका जो प्रॉपर साइज है या प्रॉपर डिजाइन है, ये प्रॉपर डिजाइन में आपको करना पड़ता है। जैसे इसको मैंने बोला था आपको कि नीचे 1 meter कैप्रॉन पेपर, उसके बाद 2 meter की इंसेक्ट नेट, और उसके ऊपर आपकी 200 micron की पॉलीफिल्म। इसके चारों साइड से आपको कर्टन रहते हैं, साइड कर्टन रहते हैं, इसको हमको साइड कर्टन हैंडल बोलते हैं। मतलब मॉर्निंग को आपको 8 बजे ओपन करना है और शाम को 6 बजे वो जो साइड कर्टन से आपको बंद करना है, बंद करने से नाइट को आपको इसको CO2 गैस को अंदर के उसको अच्छी तरह से स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको इसकी जरूरत है। और एक क्या है कि पॉलीहाउस में हमको इसको दो वेंट के बीच में हमको इसको गटर बिठाना पड़ता है। गटर जब बारिश पड़ता है तो बारिश गिरने के बाद बारिश का पानी कौन से तो एक ही डायरेक्शन को जाने के लिए हमको उसको ये GI गटर, गैल्वनाइज्ड आयरन गटर बिठाना पड़ता है। अगर मैंने हम देखते हैं कि मैंने पॉलिसीज कुछ मतलब प्रॉपरली डिजाइन नहीं किए होते या कुछ इसके अंदर पानी गिरता है बारिश का, तो ऐसा क्यों होता है कि हर एक पॉलिस को हमको 2-3% स्लोप देना पड़ता है। अगर वो स्लोप प्रॉपरली नहीं होता तो आपका वो पानी बारिश का जो है वो बारिश का पानी उसके
पेपर पे जाता है और पेपर फट के वो पानी उसके अंदर गिर जाता है. तो पॉलिश का यूज हम किसके लिए कर सकते हैं? मेनली कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स के लिए हम पॉलिश का यूज कर सकते हैं. पॉलिश में आप नर्सरी प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है. और खाली आपको नेट हाउस में वेजिटेबल क्रॉप्स एंड नर्सरी क्रॉप्स, वी आर नॉट यूजिंग फॉर गोइंग फॉर फ्लावर क्रॉप्स, ठीक है. देन ये जो पॉलिश है ओपन विंडेड पॉलिश, इसको चारों साइड से हॉकी रहती है. जैसे मैंने आपको बोला था, ये जो ऐसे आपको जो तिरके पाइप दिख रहे हैं ऐसे, तो इनको हम हॉकी या कॉर्डर बोलते हैं, इससे वो सपोर्ट मिलता है. लेकिन ये मेन कॉलम से वो जो हॉकी का डिस्टेंस है वो खाली आपका 2-2 मीटर रहता है चारों साइड से, 2-2 मीटर का ही डिस्टेंस है जिसके वजह से वो सपोर्ट करेगा. और उसको जो अंदर का जो हॉकी का एयर है उसमें आप कोई भी प्लांट प्लांटेशन नहीं करते, ठीक है. उसके अपोजिट हम अगर क्लाइमेट कंट्रोल पॉलिस का देखेंगे, तो क्लाइमेट कंट्रोल पॉलिस में जनरली 2 साइड्स को ही हॉकी है. इधर आपको दिख रहा है एक साइड को सिविल वर्क है, जिधर आपके एग्जॉस्ट फैन बिटा है. इसमें जो हम फैन बिटे थे वो थे एग्जॉस्ट फैन. एग्जॉस्ट फैन का मेन फंक्शन क्या है? एग्जॉस्ट फैन का मेन फंक्शन है कि उसके अंदर की हॉट एयर को बाहर निकालना, ना कि कोल्ड एयर को अंदर लेना. एग्जॉस्ट फैन का एक ही फंक्शन है, उसके अंदर जो हॉट एयर है वो हॉट एयर को और को क्या करते हैं, बाहर निकलते. एग्जॉस्ट फैन के बराबर अपोजिट डायरेक्शन को आपको सेलुलोज के कूलिंग पैड रहते हैं. सेलुलोज के कूलिंग पैड रहते हैं. सो एग्जॉस्ट फैन एंड दिस कूलिंग पैड ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन. जब एग्जॉस्ट फैन अंदर की हॉट एयर को बाहर निकलता है, तब उधर से सेलुलोज के कूलिंग पैड उधर से कोल्ड एयर को अंदर छोड़ते हैं. सो एग्जॉस्ट फैन, कूलिंग पैड एंड फॉगर्स तीनों भी सेंसर के वजह से एक मतलब अटैच किए रहते और वो कंट्रोल पैनल से लिंक रहते हैं. जब आपका टेम्परेचर कम होता है ज्यादा होता है, ऑटोमेटिकली एग्जॉस्ट फैन, फॉगर्स एंड कूलिंग पैड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं. ये इसका मेन फंक्शन है. और इसको 2 साइड से हॉकी है क्योंकि 2 साइड से सिविल वर्क करते हैं. नीचे से देखो ग्राउंड लेवल से आपको सिविल वर्क किया है दोनों साइड से. और इसको ऊपर से वेंट नहीं रहती. क्लाइमेट कंट्रोल पॉलिस का पूरा पैक है, देखो चारों साइड से पूरा की पूरा पैक है. खाली दोनों साइड को एग्जॉस्ट फैन और दूसरे को कूलिंग पैड है, उधर से पूरा की पूरा पैक है. ना कि साइड कर्टन है या ऊपर से वेंट है. हमको जो क्लाइमेट कंट्रोल कर रहे हैं वो खाली आपको एग्जॉस्ट फैन और कूलिंग पैड से उसको कंट्रोल करना है. अब एक थोड़ा सा इसका डिजाइन देखेंगे, थोड़ा सा आपका अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आपको करना है किसी का, तो ये डिजाइन आपको आना चाहिए. और ये डिजाइन में ही बनाना पड़ता है. आप अगर आपके वजह से आप कैसे भी इसको बना सकते हैं, तो ये प्रॉपरली स्टेबल नहीं रहता है. या तो डिजाइन में आप देखेंगे कि ओपन विंडेड पॉलिश, पहले जो मैंने बोला उसमें पहला जो मॉडल है वो है 500 स्क्वायर मीटर टाइप ऑफ मॉडल. अभी मॉडल की साइज है 500 स्क्वायर मीटर और उसका एरिया 560 स्क्वायर मीटर. तो ऊपर का 60 स्क्वायर मीटर कैसे आ गया? तो जब हम साइज ऑफ पॉलिश अकॉर्डिंग टू मॉडल, अकॉर्डिंग टू ग्रिड साइज. ग्रिड साइज मतलब क्या? कि विड्थ और लेंथ के दो जीआई पाइप में का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं ग्रिड साइज. अभी पहला जो मॉडल हम देखेंगे तो है 20x28 मीटर. मतलब 20 पहला जो डिस्टेंस है वो पहला डिस्टेंस आपका ऑलवेज विड्थ का डिस्टेंस रहता है. दूसरा जो डिस्टेंस है वो है 28 मीटर. सेकेंड वाला डिस्टेंस है वो ऑलवेज आपका लेंथ का डिस्टेंस रहता है. तो 20 × 28 मीटर भाई मतलब विड्थ इंटू लेंथ. अभी विड्थ है 20, विड्थ है 28 और 560 स्क्वायर मीटर टोटल एरिया बन गया. तो इसका कॉस्टिंग कितना आता है और आपको गवर्नमेंट कितना हेल्प करती है, मतलब 500 स्क्वायर मीटर के लिए? तो 560 × गवर्नमेंट का जो रेट है वो है 935 रुपीज पर स्क्वायर मीटर. तो 560 × 935 मल्टीप्लाई करके लगभग आपका जो आएगा मिनिमम 5 लाख तक, तो उसको 50% आपको गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है. ऐसे मैंने इसमें मॉडल दिए है 1008 स्क्वायर मीटर, मतलब 10 × 20, 30, 40 डिपेंडिंग अपन साइज ऑफ द लैंड. यू कैन कल्टिवेट अकॉर्डिंग टू द ले, आपको उसको रेट भी दिया है हमने चार्ट में. तो रेट को आप वो मल्टीप्लाई करके आप उसका टोटल कॉस्टिंग कितना आता है और गवर्नमेंट कितना आपको देगा, आप इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं. खाली क्लाइमेट कंट्रोल पॉलिस का जो रेट है, क्लाइमेट कंट्रोल पॉलिस का रेट इससे थोड़ा सा ज्यादा है. इसका 1000 स्क्वायर मीटर का रेट है देखो लगभग 1500 रुपए और 1 एकड़ का रेट है जो लगभग 1400 रुपए रेट है. जैसे जैसे आपका एरिया बढ़ता है, देखो जैसे जैसे आपका एरिया बढ़ता है वैसे वैसे आपकी पर स्क्वायर मीटर की कॉस्टिंग कम कम होती जाती है. इधर आपको समय दिख रहा है 560 का रेट 935 है,
20 गुंटे का 890 है, 30 गुंटे का 844 है, तो एरिया जैसे बढ़ रहा है वैसे पर स्क्वायर मीटर की कॉस्टिंग आपकी कम कम हो रही है, इसी के हिसाब से आप कॉस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपका मतलब जो लैंड है तो लैंड के हिसाब से आप उसमें डिजाइन डाल सकती है, ऐसा नहीं कि खाली आपको 5 घंटे का मतलब 20x28 मीटर में होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपका लैंड अगर 20x28 मीटर में नहीं होगा, विड्थ कम होगी और लेंथ ज्यादा होगी, तो आप उसमें भी ये आपके लैंड के हिसाब से डिजाइन करके वो स्ट्रक्चर उधर कर सकते हैं। ये खाली आपको सैंपल डिजाइन दिए, सैंपल मॉडल दिए, उसमें से आप जा सकते हैं अंदर। मैक्सिमम आपको वो एक करते गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी प्रोवाइड करती है और 50% सब्सिडी देती है। जैसे कि नेट हाउस का बताया था, नेट हाउस में मैंने ये आपको रेट चार्ट नहीं बताया था, नेट हाउस को मैंने आपके दो मॉडल बोले थे, 3.5 मीटर और 4 मीटर। इसमें ग्रिड साइज 6x6 मीटर है, मतलब विड्थ में 6x6 मीटर में ही पाइप चाहिए और लेंथ में आपके 6x6 मीटर में ही पाइप चाहिए, उसी के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। अदरवाइज आप उसमें कैसे भी आपकी वजह से 8 मीटर 4 मीटर ऐसे पाइप नहीं डाल सकते, ठीक है। इसका देखो 3.25 मीटर का अगर मैं देखता हूँ एक मॉडल के लिए आपको खाली, तो उसका ये रहे 1012 स्क्वायर मीटर, विड्थ 22 मीटर और लेंथ 46 मीटर, और गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर एंड इरेक्शन चार्ज 380 रुपए। तो गवर्नमेंट आपको कितना सब्सिडी देगी, 1012 × 380, ये करके जो आपका आएगा तो ये रहेगा आपका टोटल कॉस्टिंग, और इसके 50% गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी। गवर्नमेंट देखो गवर्नमेंट ये पर्टिकुलरली जो टेक्नोलॉजी है नेट हाउस और पोल हाउस, इसमें 3 चीजों के लिए सब्सिडी देती है। इसमें गवर्नमेंट आपको 3 चीजों के लिए सब्सिडी देती है, एक है आपका स्ट्रक्चर, दूसरा है आपका इरिगेशन, और तीसरा है आपका प्लांटिंग मटेरियल। स्ट्रक्चर, इरिगेशन एंड प्लांटिंग मटेरियल, ये 3 चीजों के लिए आपको गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है, स्ट्रक्चर, इरिगेशन एंड प्लांटिंग मटेरियल। इसमें क्या है, स्ट्रक्चर का जो रेट है वो 380, इरिगेशन का रेट है 120, और टोटल रेट है 500 रुपए पर स्क्वायर मीटर। प्लांटिंग मटेरियल का इसका मतलब इसके बाद वाली स्लाइड है, उसमें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें खाली स्ट्रक्चर, इरिगेशन और इरिगेशन की कॉस्टिंग दी है, उसी के सबको आपको जाना है। अगर आपको अच्छा तरह से बिजनेस स्टार्टअप करना है तो आप गवर्नमेंट मुझको सब्सिडी दे रही है इसलिए मुझको ये बिजनेस करना है, ऐसे आपके माइंड में मत लाओ। अगर मैं हर टाइम मतलब बोलता हूँ कि आप अगर इसको ये इंडस्ट्री में आपको सक्सेस होना है एज ए एंटरप्रेन्योर करके, ये इंडस्ट्री में आपको अगर सक्सेस बनना है एज ए एंटरप्रेन्योर करके, तो आपको 3 चीजों को आपके ध्यान में या माइंड में रखना है। वी हैव टू कंसिडर 3 things। फर्स्ट वन इज, अगर आप ये खुद करने वाले हो तभी आप इस चीज में जाओ, अदर आप इस चीज में मत जाओ। मतलब क्या कि मैं खाली इसमें पैसे लगाऊंगा और मेरे घर के लोग ये खेती देखेंगे करेंगे, ऐसा नहीं। इसको आप एक खुद के एग्रीकल्चर इंडस्ट्री देख के आपको इसमें जाना है, मतलब आपको खुद को ही करना है तभी आप इसमें जाओ। दूसरा कि मुझको करना कुछ नहीं, लेकिन गवर्नमेंट मुझको दे रहा है इसके लिए मुझको ये करना है, गवर्नमेंट मुझको सपोर्ट कर रहा है, मेरे खुद की तो इच्छा नहीं है लेकिन गवर्नमेंट दे रहा है कुछ सब्सिडी इसलिए मुझको ये करना है, इसलिए मुझको ये करना है, तो ऐसा माइंड में होगा तभी भी आप इसमें मत जाओ। गवर्नमेंट जो होगा, गवर्नमेंट खाली आपको एक सपोर्ट कर रहा है, एक मोटिवेशन दे रहा है कि आप इस फील्ड में जाओ, इसलिए गवर्नमेंट आपको कंटिन्यू नहीं दे रहा, हेल्प नहीं कर रहा है। और तीसरी चीज आपको जो चाहिए वो चाहिए पेशेंस। पेशेंस मतलब क्या, पेशेंस मतलब अगर अभी मार्केट रेट मेरा रोज का इतना है, जरबेरा का इतना है, कैप्सिकम का इतना है, मतलब कम है रेट, और कम रेट की वजह से आपको पहले साल में कुछ भी नहीं मिला, ठीक है, कुछ भी फायदा नहीं हुआ, तब आप सेकंड साल क्या देखते हैं, अभी इसमें कुछ परिवर्तन नहीं है, कुछ ये नहीं हो सकता है, तो आप पहले कोई मतलब आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, तब आप कोई कर रहे हैं, नहीं मुझे पहले साल अच्छा नहीं इनकम मिला, अच्छा नहीं प्रॉफिट हुआ, तो मैं सेकंड ईयर में कुछ ना कुछ अच्छी डेवलपमेंट करूंगा, मैंने जो गलती की है तो वो सेकंड साल में इंप्रूवमेंट करेगा, तो ऐसा अगर देखेंगे तो आप इसमें सक्सेस हो सकते। तो ये तीनों चीज इसमें इंपॉर्टेंट है ए बिजनेस में आने के लिए एज ए एंटरप्रेन्योर। खुद को करना है आपको तभी जाओ, गवर्नमेंट दे रही है इसलिए मुझको करना है, ऐसा मत माइंड में लाओ, और तीसरा आपको चाहिए वो है पेशेंस। ये 3 चीजों का अगर ध्यान में रखेंगे तब आपको ये इंडस्ट्री में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, ये तीनों चीज आपके माइंड में रख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के सबसे आपको ये देखना है, जैसे मैंने आपको एक फ्लैट टाइप का बोला था वैसे इसमें एक
राउंड टाइप का ये जो देखो ऐसा, ये राउंड टाइप वाला भी आप नेट हाउस लगा सकते हैं। इसकी सेंट्राइड 4 मीटर या 5 मीटर है। इसमें हम जो जो भी विजिबल क्रॉप की हाइट बढ़ती है तो ये इसमें हम लगा सकते हैं, कैप्सिकम, कुकुम्बर, टोमेटो, ठीक है। थोड़ा सा फ्लैट टाइप से इसका रेट ज्यादा है, डिजाइन भी अलग है, 6x4 मीटर है, उधर 6x6 मीटर था। इसको हॉकी नहीं है, इसको राउंड टाइप कम जनरली 64 को 2-2 मीटर की हॉकी नहीं बैठा थी। इसका रेट एज कम्पेयर टू उधर से 100 रुपए पर स्क्वायर मीटर को ज्यादा आता है। इसमें ये होगा स्ट्रक्चर का। अब जब हम प्लांटिंग मटेरियल का देखते हो तो प्लांटिंग मटेरियल में जनरली गवर्नमेंट आपको 9 वेजिटेबल क्रॉप को इसमें सब्सिडी प्रोवाइड करता है, और ये 9 वेजिटेबल क्रॉप इसमें सक्सेसफुली लगा सकते हैं। कौन कौन से? एक है आपका कैप्सिकम, दूसरा आपका टोमेटो, देन चेरी टोमेटो, कुकुम्बर, मस्क मेलॉन, लेट्यूस, चिली, रेड कैबेज, ब्रोकोली। ये जो हाई वैल्यू वेजिटेबल क्रॉप है, पर्टिकुलरली इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र अगर आपको ये 9 क्रॉप को ही गवर्नमेंट इसके अंदर सब्सिडी देती है। और आप अगर ऑल ओवर इंडिया का देखेंगे तो किधर कैप्सिकम, कुकुमर, टोमेटो ही तो फिक्स है, 3 कैप्सिकम, कुकुमर, टोमेटो। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पर्टिकुलरली ये 9 वेजिटेबल क्रॉप आइडेंटिफाई किया है, और आपको अगर कुछ चाहिए हेल्प गवर्नमेंट से तो ये 9 वेजिटेबल पे ही जाना है, ऐसा गवर्नमेंट ने इसमें बोला है, ठीक है। और इसका गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्लांटिंग डिस्टेंस भी फिक्स करके दिया है। कैप्सिकम को आपको लेना है तो 2 लाइन में का डिस्टेंस है, 2 प्लांट का 2 लाइन का डिस्टेंस है 0.60 मीटर, एंड 2 प्लांट का डिस्टेंस है 0.45 मीटर, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर का सीडलिंग, मतलब 1 स्क्वायर मीटर में कितने प्लांट बैठने चाहिए वो भी दिए है उधर। ऐसे टोटल करके 4 दिया है कि उतना ही स्पेसिंग रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट, और उतना ही पर स्क्वायर मीटर की सीडलिंग आपको उसमें अंदर आना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट ने इसको दिया है। और उसी के वजह से, उसी के हिसाब से आपको इसमें जाना पड़ता है, अदरवाइज गवर्नमेंट नॉट सपोर्टिंग यू। अभी गवर्नमेंट ने जो हेल्प करता है वो गवर्नमेंट जनरली 5 चीजों के लिए इसमें हेल्प करता है। प्लांटिंग मटेरियल में सीडलिंग का जो कॉस्टिंग है वो 18 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, बेड प्रिपरेशन का जो कॉस्टिंग है वो 18 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, प्लास्टिक मल्चिंग का जो कॉस्टिंग है वो 14 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर WSF मींस वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर का कॉस्टिंग है 45 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, एंड पेस्टिसाइड्स का 45 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो टोटल जो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है प्लांटिंग मटेरियल पर्टिकुलरली वो 140 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। मतलब मानो कि आपका 1000 स्क्वायर मीटर का एरिया है तो 1000 × 140 मतलब कितना बन जाएगा आपका 1,40,000 रुपए। उसके 50% गवर्नमेंट आपको इसमें पर्टिकुलरली सब्सिडी प्रोवाइड करती है। आप अगर फ्लावर का देखेंगे, जैसे 9 वेजिटेबल क्रॉप को गवर्नमेंट सब्सिडी देते है, वैसे 4 फ्लावर क्रॉप को गवर्नमेंट सब्सिडी देते है, जर्बेरा, कार्नेशन, ऑर्किड एंड एंथोरियम। इसके अलावा आपने अगर दूसरा फ्लावर क्रॉप उसमें ट्राई किया तो गवर्नमेंट उसको हेल्प नहीं करती, तो जर्बेरा, कार्नेशन, ऑर्किड, एंथोरियम इनको गवर्नमेंट आपको सब्सिडी प्रोवाइड करती है। इसका गवर्नमेंट ने क्या है, इसका गवर्नमेंट ने प्लांटिंग डिस्टेंस नहीं दिया, लेकिन 1 स्क्वायर मीटर में कितनी सीडलिंग से कितने पौधे बैठने चाहिए वो थोड़ा सा डिसाइड किया है। कार्नेशन के आप देखेंगे तो 24-36 है, जर्बेरा के आपके 6-8 है, एंथोरियम के आपके 7-10 है, और ऑर्किड के आपके 17-20 सीडलिंग्स पर स्क्वायर मीटर आपको बैठना ही चाहिए, तभी आपको गवर्नमेंट इसमें हेल्प करती है। और इसका भी कॉस्टिंग दिया है कि अगर प्लांटिंग मटेरियल दो दो ग्रुप की है, कार्नेशन जर्बेरा का एक ग्रुप किया है और एंथोरियम एंड ऑर्किड का एक ग्रुप किया है। अगर मान कि कार्नेशन जर्बेरा का आपको प्लांटिंग मटेरियल परचेस करना है तो गवर्नमेंट आपको 490 रुपीज पर स्क्वायर मीटर कॉस्टिंग प्रेफर करती है। बेड प्रिपरेशन के लिए 20 रुपीज है, खत के लिए 50 है, और पेस्टिसाइड के लिए 50 है, ऐसा टोटल 610 रुपीज पर स्क्वायर मीटर आपको गवर्नमेंट, ये कॉस्टिंग है उसके 50% गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देते हैं। वैसे एंथोरियम और ऑर्किड का भी सेम गवर्नमेंट ने इसमें किया है, ये तो स्टैंडर्ड का आपको मैंने बताया। अब किसी को ये करना है एक्चुअली, देखो ये किसी को करना है तो इसके लिए गवर्नमेंट का आपको एक प्रपोजल देना पड़ता है, किसी को करना है तो गवर्नमेंट का आपको एक प्रपोजल देना पड़ता है। जनरली डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम फार्मर, आपको फार्मर के जैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, एक है आपका एप्लीकेशन फॉर्म देने के, हमी पत्र, बंद पत्र, आपका सादवारा उतारा, आपका खाते उतारा, आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक जेरोक्स एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ये डॉक्यूमेंट्स आपके स्टार्टिंग को लगते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म, हमी पत्र, बंद पत्र, सादवारा उतारा, खाते उतारा, आधार कार्ड, बैंक पासबुक जेरोक्स एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। और कुछ कैटेगरी में हो गई SC ST में तो उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये इसेंशियल है।
देन लोकेशन रिपोर्ट, जो डिपार्टमेंट से जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो लोकेशन रिपोर्ट है, आपका प्री सैंक्शन लेटर है, फर्स्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, फाइनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, प्लांटिंग मटेरियल रिपोर्ट है, देन इंट्रोडक्शन रिपोर्ट है, मापन पुस्तिका लेटर है, ये डिपार्टमेंट का रखते हैं डॉक्यूमेंट जो एक्चुअली ये इरेक्शन करके देने वाला है, जो कंपनी वाला है, तो उससे हमको ये चार डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इरेक्शन एज पर नॉर्म्स रिपोर्ट की मैंने ये एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से बनाया है। इरेक्शन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म, जिधर इसको इरेक्शन करना है उस जिले पे उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसको बोलते हैं इरेक्शन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म। देन इरेक्टर्स हमी पत्र है कि आपके अगर स्ट्रक्चर को कुछ डैमेज होता है, या दो साल में, तीन साल में, एक साल में कुछ फटता है या कुछ टूटता है, गिरता है, तो वो रिप्लेस करके वारंटी गारंटी है, तो इरेक्टर उसके हमें पत्र में देता है। देन इनवॉइस फॉर्मेट, इनवॉइस फॉर्मेट में इसका जीएसटी रहती है, जो जीएसटी का जो इनवॉइस फॉर्मेट है, वो जीएसटी का इनवॉइस फॉर्मेट हम इसमें दे सकते हैं। ठीक है, पीपीटी शेयर करता हूं जय पाटिल, डोंट वरी। तो इनवॉइस फॉर्मेट में हम जीएसटी इंक्लूडिंग सब्सिडी रहती है इसकी। देन अगर कोई भी लोगों को इसकी गवर्नमेंट से कुछ हेल्प चाहिए तो इसको कंपल्सरी ट्रेनिंग करना पड़ता है। तो ट्रेनिंग हम देखे, हम ये महाराष्ट्र में ऐसे ट्रेनिंग लेते हैं, लोगों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना पड़ता है ऐसा। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी जो नर्सरी बनते हैं तो उधर भी हम थोड़ा सा सिखाते हैं कि नर्सरी प्लांट के लिए कैसा स्ट्रक्चर चाहिए, उसकी स्टेबिलिटी कितनी चाहिए, कौन से कलर की चाहिए, कितने परसेंटेज की चाहिए, कितनी हाइट की चाहिए। ये महाराष्ट्र के कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो हमने उसमें आइडेंटिफाई किए ट्रेनिंग देने के लिए। हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर है गोदावरी, केवी के बारामती है, केवी के नाशिक है, केवी के खरपुड़ी जालना, एमपी के राहुरी है, डॉक्टर पीडी के व्याकोला है, और गवर्नमेंट की जो वेबसाइट थी www.hotnet.gov.in जिसमें हम ऑनलाइन एप्लीकेशन करते थे, अभी गवर्नमेंट में महाडीबीटी का लाए महाडीबीटी.gov.in वर्जन ऑफ एप्लीकेशन कर सकते हैं इसके लिए। तो ये जो पार्ट है इसको गवर्नमेंट पर्टिकुलरली सबसिडी पॉइंट ऑफ व्यू और आपके हेल्प के हिसाब से, मतलब आपको जितना एरिया का करना है, कौन से कलर का चाहिए, कितने एरिया का करना है, मिनिमम क्या क्या कर सकते हैं, इसी के हिसाब से थोड़ा सा प्लानिंग ऐसा किया है कि आप मतलब जिसके पास पैसा भी कम हो और जो थोड़ा सा पैसा ज्यादा भी हो, उसी के हिसाब से आप अगर नेट हाउस में जाना चाहते हैं या पॉलिस में जाना सकते हैं, आपको कौन सा क्रॉप लगाना है, आप फ्लावर क्रॉप लगाना हो तो आप पॉलिस में जाओ, आपको वेजिटेबल करना हो या नर्सरी करना हो तो आप नेट हाउस में जाओ, उसी के हिसाब से आप वो स्ट्रक्चरल डिजाइन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट दे रहा है। अभी इस साल हम क्या कर रहे हैं, इस साल हम इसमें थोड़ा सा और एक मॉडल नया आ रहा है, केबल एंड पोस्ट मॉडल करके। मतलब ये जो रेगुलर जिसको अगर मानो कि 1000 स्क्वायर मीटर के लिए आपको 4 लाख खर्चा आ रहा है, तो इसमें हम 2 लाख का या 2.5 लाख का मॉडल कैसे बन सकता है, उसी के हिसाब से अभी हमारा रिसर्च चल रहा है और गाइडलाइंस में हम वैसे एक मॉडल, मतलब महाराष्ट्र में जितने भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जितने भी डिजाइन बनते हैं, वो बनने के बाद जो गवर्नमेंट के ऑफिसर लोग जाते हैं इंस्पेक्शन के लिए, तो हम उसको उनको पढ़ाते हैं कि एक्चुअली गवर्नमेंट के पॉलिसी के हिसाब से है क्या, उसके बीएस स्टैंडर्ड कैसे चेक करें आप, उसका एरिया कैसे काउंट करें, कैलकुलेशन करें। तो वैसे हम जो गवर्नमेंट की जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जैसे यशदा हो, वनामती हो, रामेतीस हो, तो उधर हम ये एग्रीकल्चर के जो क्लास वन ऑफिसर उनको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। और स्टेट लेवल की एक कमेटी है, एक पांच लोगों की एक कमेटी है, जिधर से हम ये पॉलिसी डिसाइड करते हैं, वो पांच लोगों में से मैं एक मेंबर हूँ, कि हम उसमें डिसाइड करते हैं कि एक्चुअली कितने एरिया को देने का, कौन से हिसाब से देने का, कितना एरिया उसमें आप काउंट कर सकते हैं, कौन सा एरिया माइनस कर सकते हैं, अगर किसी ने वो स्पेसिफिकेशन नहीं फॉलो किए तो हमको क्या करना है, तो टोटली हम उसमें डिसाइड कर सकते हैं। तो आपको अगर इसमें कुछ मतलब डिफिकल्टीज हो, कुछ क्वेश्चन आंसर आप पूछ सकते हैं। यस सर, हेमंत सर बहुत बढ़िया, लोगों ने ऑलरेडी आपको फीडबैक देना शुरू किया है, मैं भी कुछ चैट बॉक्स में देख रहा हूँ कि आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है कि शायद ये सारी इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली एग्रीमेट्रिक्स की तरफ से जो लोगों को जा रही है डेफिनेटली उनको बेनिफिट होगा, और जो लोग पॉलीहाउस ग्रीन हाउस कुछ आगे बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको इस इन्फॉर्मेशन की बहुत ही हेल्प रहेगी, उसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और कुछ लोगों के क्वेश्चंस भी हैं, अगर कुछ क्वेश्चंस को आप हैंडल करना चाहो तो। यस यस, एक प्रोड्यूसर के प्रोड्यूवी कौन से रखे, प्रोड्यूवी राज नायडू, उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं सर। इन हाउ मच एरिया कैन वी इंस्टॉल पॉलियस टू गेन नोटिसेबल प्रॉफिट्स। डेफिनेटली अच्छा क्वेश्चन है कि अगर मुझको एक प्रॉफिटेबल चाहिए, और उसका मैं ये भी बताऊंगा कि पे बैक पीरियड कि जब आपने पॉलियस इंस्टॉल किया तो आपको सस्टेन होने के लिए और आपने जिसमें जितना पैसा डाला है वो आपको वापस आने के लिए कितना साल लग सकता है। तो पहले आपका जो क्वेश्चन था एरिया के बारे में, देखो अगर मैं पुणे में रहता हूँ
बॉम्बे में रहता हूँ तो मेरा खेत पुणे या बॉम्बे से अगर नजदीक है अपार्ट फ्रॉम विद इन 10 किलोमीटर to 15 किलोमीटर भी जा सकता हूँ, क्योंकि मुझको मेरा जो ट्रांसपोर्टेशन का है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसमें मेरी कम आ जाएगी। लेकिन मैं अपार्ट थोड़ा सा दूर रहता हूँ 100 किलोमीटर के या उससे ज्यादा, तो आपको मिनिमम 2000 स्क्वायर मीटर का 20 गुंटा का जितना आपका प्रोडक्शन है उसको आप लेने के लिए आपको सहायता हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन था आपका, व्हाट इज द टारगेट मार्केट फॉर द प्रोड्यूस एंड ऑल्सो डज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स रियली हैव डिमांड इन द मार्केट। अब ये दूसरा थोड़ा सा मैं ये आपका ऑर्गेनिक मार्केट का है तो थोड़ा सा मैं पॉलियोस के बारे में आपको बताऊंगा कि जनरली हम ऑलवेज बोलते हैं कि पॉलियोस करना हो या आपको नेटोस करना है तो जनरली आप स्टार्टिंग को ऑर्गेनिक में मत जाओ, क्योंकि हमको प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए। ऑर्गेनिक करने के बाद ऑर्गेनिक आपका प्रोडक्शन कम मिला और मार्केट में अगर कुछ आपके आगे वाले कंज्यूमर सेट नहीं हो रहेंगे, ऑर्गेनिक तभी हमको परवड़ सकता है जब आपका आगे वाला मार्केट, आगे वाला टारगेट ओरिएंटेड पीपल है वो अगर आपके फिक्स हो। मेरे कैप्सिकम जो रेगुलर है वो अगर 50 रुपए per kg से जाते हैं और ऑर्गेनिक अगर मुझको 200 रुपए per kg से बेचना है तो आगे वाला हमारा कंज्यूमर फिक्स चाहिए। हम इसमें पॉलियोस में जनरली क्या देखते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा मतलब केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने के बाद आपका प्रोडक्शन ज्यादा निकलता है। प्रोडक्शन ज्यादा निकने के बाद मिनिमम आपको 3 साल लगते हैं पे बैक पीरियड के लिए, मतलब 3 साल तक आपको मतलब वो रिकवर होना ही होना है, जितने आप उसको जितना इंस्टॉल किया है वो आपको वापस चाहिए। आप ऑर्गेनिक का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई भी क्रॉप का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रयोग कब करने का, जब आप जितना पैसा उसमें डाला है वो पैसा जब आपका रिकवर हो जाएगा, बराबर, तो रिकवर होने के बाद भी आपको बाद में ही आपको जो भी कुछ करना है वो उसमें प्रयोग करना है, ठीक है। व्हाट द लीगल प्रोसीजर टू सेल द वेजिटेबल्स डायरेक्टली इन द अपार्टमेंट्स और सोसाइटीज। अभी आप कहाँ से हो कुछ पता नहीं, लेकिन अभी हम पुणे में जो है तो पुणे में क्या करते हैं, पुणे में वो जो सोसाइटीज है तो हमारा एक इधर एक डिपार्टमेंट रहता है, मतलब डीडीआर डिपोर्ट डायरेक्टर रजिस्टर करके रहते हैं और डीडीआर को वो हमको उधर से परमिशन निकालनी पड़ती है कि अगर हम इस सोसाइटी में हमको ये सेल करना है। जैसे कि हम अभी जिधर वर्किंग करते हैं एमसीडीसी मतलब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो हमने क्या किया है कि हर एक सोसाइटी में हमारा एक कंसेप्ट है कॉप शॉप करके, कॉप शॉप मतलब कोऑपरेटिव शॉप। हमने क्या किया है कि हमारे जितने भी एफपीओज है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है तो उनको हम वो शॉप्स डायरेक्टली सोसाइटी के प्रीमाइसिस में वो शॉप ओपन करने के लिए परमिशन दे रहे हैं, वो परमिशन हमारे खुद के तरफ से जा रहे है। तो उन्होंने हमसे अप्लाई करने का, हम वो सोसाइटी वालों का अप्लाई करेंगे, हम वो सोसाइटी वो आगे वाला एफपीओ और हम तीनों में एक एमओयू बन जाएगा और बाद में आपका वो लीगल शॉप उधर ओपन हो सकता है, ठीक है। देना और एक क्वेश्चन था इसमें सर, कुछ क्वेश्चन है ऐसे कि विच टाइप ऑफ पॉलीफिल्म यूजफुल फॉर वेजिटेबल ग्रोथ एंड विच वन ऑफ द सीड्स प्रोडक्शन। हाँ, अभी जनरल देखो जैसे मैंने आपको बोला कि जनरली पॉलीफिल्म में तीन टाइप मतलब तीन कलर के पॉलीफिल्म है, एक इसमें आपको व्हाइट येलो और अभी आया तो वो ब्लू। तो जनरली आपको अगर वेजिटेबल का कल्टिवेशन करना है तो जनरली आप व्हाइट पे जाओ। आपको अगर पॉलियोस में नर्सरी करना हो या पॉलियोस में गुलाब करना हो रोज कल्टिवेशन, तो हमें अभी इधर का तलेगा दाबाड़े के एरिया है तो तलेगा दाबाड़े के एरिया में हम देखो तो 300 एकड़ पॉलियोस है एक ही जगह पे जिधर हम वर्किंग कर रहे थे। तो उधर क्या है कि उधर मेजोरिटी जितने भी पॉलियोस है उनका उन्होंने जो कलर पेपर किया हुआ मतलब येलो कलर की फिल्म है और आउट ऑफ 300 एकड़ पॉलियोस मोर देन 290 पॉलियोस में उन्होंने रोज कल्टिवेशन ही किया है, रोज कल्टिवेशन ही किया है तो उधर येलो कलर। तो जनरली एक ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम बोलते कि रोज कल्टिवेशन और नर्सरी कल्टिवेशन के लिए आप येलो कलर की पॉलीफिल्म यूज करो और बाकी के अदर देन जो आपका मतलब वेजिटेबल हो जरवेरा हो या अदर क्रॉप हो इसके लिए आप व्हाइट कलर की पॉलीफिल्म कर सकते हैं क्योंकि उधर राइट लाइट ट्रांसमिशन आपका इजीली होता है। दूसरा एक था सीड के बारे में, तो जनरली पॉलीहाउस में आपको कौन सा भी क्रॉप वेजिटेबल क्रॉप ग्रो करना हो तो इसमें सबसे दिक्कत आती है लोगों को, क्योंकि जिस आप कृषि सेवा केंद्र में जाते हैं जिस आप दुकान में जाते हैं तो उसको भी उसका प्रॉपर नॉलेज चाहिए, उसको भी उसका प्रॉपर नॉलेज चाहिए कि क्या है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे इधर इसमें पॉलियोस फेल है, नेटोस फेल है। क्यों फेल है? फेल कोई भी टेक्नोलॉजी फेल मतलब आप अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा तब आप बोल सकते हैं। पॉलियोस में जो भी वेजिटेबल क्रॉप आपको ग्रो करना है वो वेजिटेबल क्रॉप आपको सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटी वाले मतलब सीड परचेस करने हैं। आपने अगर क्रॉस पॉलिनेटर वाले परचेस किए तो उसमें आपको मतलब कोई भी विजिबल क्रॉप के लिए आपको पॉलिनेशन जरूरी है। आपको अगर फ्लावरिंग हो फ्रूटिंग हो तो पॉलियोस में आपको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए पॉलिनेशन के लिए
पूरा के पूरा आपको चारों साइड से बंद है, ना कि इंसेक्ट अंदर आ सकते हैं, ना कि आपका जनरली पॉलिनेशन इज डन थ्रू आपका इंसेक्ट से होता है या हवा से या मतलब विंड से होता है। तो पॉलिस वो पूरा पैक है ना, तो आपके लिए जो सीड परचेस करना है वो सीड पूरा के पूरा आपको सेल्फ पॉलिनेटेड का ही लेना है, तभी उसका अंदर पॉलिनेशन हो सकता है। अगर मानो कि गलती से आपने सेल्फ पॉलिनेटेड नहीं लगाया और क्रॉस पॉलिनेटेड लगाया, गलती से गलती हो गई, तो आपको क्या करना है, पॉलिस के जो चारों साइड से जो साइड कर्टन है उसको पूरा ओपन करना है, कर्टन को ओपन करना है, उसके अंदर की जो इंसेक्ट है उसको भी ओपन करना है, ताकि बाहर की जो हवा है वो हवा की मूवमेंट अंदर होनी चाहिए, तो उसका पॉलिनेशन अंदर हो सकता है। ठीक है, और एक सुनील निकम का प्रथमेश कोई है, उनको पूछना है कि मैनेजमेंट पॉलियोस मैनेजमेंट में कोई एम्प्लॉयमेंट है क्या, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारा जो एग्रीमेंट ट्रिक का जो मेल आईडी है वहां पे हमें कॉन्टेक्ट करें, आपका रिज्यूम भेजें, तो हम आपको रिवर्ट कर सकेंगे। How much light transfer difference between yellow and white film? Generally ज़्यादा difference नहीं होता, लेकिन particularly 10-15% का difference रहता है, लेकिन particularly बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि नर्सरी को direct sunlight अंदर आ जाता है crop पे, तो थोड़ा सा देखिए vegetable nursery होगा, तो vegetable nursery में क्या होता है कि आपको vegetative growth होने के बाद थोड़ा सा मतलब scorching होगा, ये होगा, ऐसा थोड़ा सा ये हो जाता है। Then उसके ऊपर एक question था सही किरण का सर अबाउट लेबर रिक्वायरमेंट्स, तो जनरली आपका अगर 1000 स्क्वायर मीटर का एरिया होगा तो आप इसमें 2 लेबर जोड़ी, मतलब हम क्या बोलते हैं, एक मतलब वो मैन और उसकी वुमन, तो मैन वुमन करके ऐसा मतलब ऐसे 2-4 लोग उधर रख सकते हैं, कि जैसे मैन है उसे वुमन की भी जरूरत है हार्वेस्टिंग करने के लिए, ये करने के लिए मैन आपका अगर स्प्रेइंग करता है या फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करता है तो हार्वेस्टिंग के लिए, तो ये मतलब मिनिमम 1000 स्क्वायर मीटर के लिए आपको 4 लेबर इनिशियली, तो ठीक है सर, काइंडली शेयर पीपीटी, नो डाउट, मैं पीपीटी शेयर करता हूं सर को। मैं चाहूंगा आप जिनको पीपीटी चाहिए, जिनको वैकेंसी के बारे में या जो भी कुछ आपको सपोर्ट चाहिए, agmatrixcareer@gmail.com इसके ऊपर मेल कीजिए दोस्तों, आपको हमने मेल आईडी यहां पे स्क्रीन के ऊपर प्रोवाइड किया है, आप मेल कीजिए, तो आपके जो बाकी फर्दर इंफॉर्मेशन है, फर्दर सपोर्ट है, आपको जो भी कोई हमारी तरफ से हेल्प चाहिए तो हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। सो मैं चाहूंगा कि आज हम हेमंत सर को थैंक यू कहें, और जो जिन्होंने सारे लोगों ने इतना आपका भी कीमती समय आपने दिया, क्योंकि हम चाहते हैं दोस्तों, आपने क्यों समय दिया, क्योंकि हम कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, आगे तरक्की करना चाहते हैं, किसी प्रोफेशन में किसी बिजनेस में ग्रो करना है तो टाइम तो देना पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा। और मैं चाहूंगा आप सारे लोग बहुत लकी हो कि यहाँ पे एग्मेट्रिक्स आपको सारी अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार है, आपको सिखाने के लिए तैयार है, आपके स्किल्स को डेवलप करने के लिए तैयार है। बट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमें जिस भी क्षेत्र में आगे जाना है वहां का नॉलेज ठीक से लेना चाहिए, वहां सीखना चाहिए, अगर प्रॉपर एजुकेशन प्रॉपर स्किल को अगर हम डेवलप करते हैं तो दावे के साथ उस क्षेत्र में हम आगे तरक्की कर सकते हैं। तो आने वाले ऐसे बहुत सारे सेशन हम आपके लिए लेके आएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा आपके जो फ्रेंड्स और जो कि आपके कॉन्टैक्ट्स के जो लाइक बैचमेंट्स है या कॉलेज के फ्रेंड्स हैं उनको भी आप बताइए, तो हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अच्छी सर्विस, अच्छा एजुकेशन, स्किल डेवलप उनके करने के लिए सपोर्ट कर सके, ये हमारा बेसिक मोटो है। और जो मैंने कहा था कि एक्सपीरियंस लोग यहाँ पे हैं, अलग अलग टॉपिक के ऊपर अलग अलग सेशंस हम यहाँ पे लेते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चंस है, तो हमारे मेल आईडी के ऊपर या कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। सो मैं आप सारे तरफ जो आज के जिन्होंने ये सारे सेशन अटेंड किए सबकी तरफ से मैं हेमंत सर को थैंक यू करना चाहूंगा, और एग्मेट्रिक्स का जो पूरा मैनेजमेंट है उनको भी थैंक यू करना चाहूंगा कि आपने ये बहुत ही शानदार सेशन यहाँ पे हम सारे लोगों के लिए अरेंज किया। सो थैंक यू सो मच, और यहाँ पे दोस्तों हम रुकते हैं, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए, लेकिन अपग्रेड होने के लिए एग्मेट्रिक्स के साथ बने रहिए। सो थैंक यू सो मच हेमंत सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड इंफॉर्मेशन। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू एग्मेट्रिक्स। यस वेंकटेश जी, आपको कुछ ऐड करना हो तो कर सकते हो, अदरवाइज हम सबको बेस्ट ऑफ लक करेंगे। यस यस सर, थैंक यू सर फॉर योर गाइडेंस। यस थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ सेफ डे।